शराब नहीं पीनी चाहिए, तभी मुंह शुद्ध होता है। लेकिन कलयुग में ऐसे शुद्ध ब्राह्मण ढूंढना बड़ा कठिन है। घी घी शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन ऊपर भी लिखा होगा शुद्ध घी, लेकिन आप देखो ठीक ठीक से। कुछ दिन पहले न्यूज पेपर में आया था, अलीगढ़ में घी जल रहा था, बोले कहीं से, बोले हड्डी को केवल गला है, घी नाम का कोई चीज है नहीं। हवन सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। हम लोग कहीं प्रचार करने गए थे हाथरस, देखा हवन सामग्री बन रहा है, बोले कैसे, जो गाड़ी का बचा हुआ तेल को जो लकड़ी का बुरादा में मिला मिला करके हवन सामग्री बन रहा था। मतलब ये चीज अगर ठाकुर जी को कोई देगा ना, ठाकुर जी खुश नहीं होंगे, नाराज हो जाएंगे। फिर एक यज्ञ करने के लिए फिर तो बहुत पैसा चाहिए, कलयुग में कहाँ इतना पैसा लाए। ठाकुर जी ने देखा कलयुग में ये यज्ञ भी संभव नहीं। तीसरा चीज द्वापर युग में अर्चन, अभी अर्चन करने के लिए बहुत सारी चीज चाहिए आपको। पहले तो पंचामृत चाहिए आपको, घी दूध शहद इसमें चीनी और पांच तरह का चीज चाहिए आपको। फिर इसमें धूप दीप नैवेद्य फूल माला अगुर चंदन कल्प, कलयुग में कहाँ से लाएगी इतना पैसा। देखिए रोज रोज ठाकुर जी को पंचा, रोज रोज ठाकुर जी को अभिषेक करें, कहाँ से पैसा लाएगा। इसलिए देखा कलयुग में ये भी संभव नहीं है। इसलिए ठाकुर जी ने सोचा ऐसे एक साधन दिया जाए जो बिना पैसा में हो जाए और बिना कष्ट से हो जाए। इसलिए ठाकुर जी बड़े दयालु, बोले कलयुग में कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल भगवान का नाम लो, केवल ठाकुर जी की हाथों में काम करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम लो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अब तो कोई पैसा की जरूरत नहीं है, कोई कष्ट हुई है बिना पैसा बिना कष्ट के कलयुग में ये साधन ठाकुर जी दे दिया। लेकिन भगवान कहते हैं मैंने इतने सरल उपाय रख दिया, तभी कलयुग में ठाकुर का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं। इसलिए कहते हैं अगर भगवान का कोई नाम लेना उसको तीन काम अपने आप हो जाता है। अब याद है मैंने क्या कल बताया, भगवान का नाम लेते ही तीन काम अपने आप हो जाता है। किसको याद है, बोल बोल याद होगा, किसको याद नहीं रहते, कोई भी याद नहीं रहते, क्या तीन काम बताओ। मैंने कल बताया कोई तो भूलिए, ठाकुर का नाम लेते तीन काम अपने आप हो जाता है। किसको याद है, अब कोई कुछ याद नहीं करता है। और एक बार सुन लो, कल पूछूंगा मैं, कहते जमपुरी में जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, बोले काफी लेकर के आओ, बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति ठाकुर का नाम ले रहा है ना, इसका नाम को यहाँ से काट दो, मतलब ये कभी और नरक नहीं आएगा। दूसरा काम किया, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहते हुए रजिस्टर ले आओ, बोले क्यों, बोले इसका नाम लिखता हूँ, वो ठाकुर का नाम ले रहा है, जरूर ठाकुर को धाम में जाएगा। तीसरा चीज क्या है, किसको याद है, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में आरती का थाला लेकर के सजाना शुरू करते हैं, बोले ठाकुर का नाम ले रहा है ना। जब वो व्यक्ति भूर भूभ मोह जन तप सत्य लोक को पार करते हुए वो ठाकुर का धाम में जाएगा, उसको में ब्रह्म लोक में भी उसको में आरती था। इसलिए ठाकुर का नाम लेते ही अपने आप ये तीन काम अपने आप हो जाता है। इसलिए भगवान कलयुग में नाम को ही चक्कर सर्वश्रेष्ठ साधन है। बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मानस्य ज्ञानम्। बोले एक ही भगवान है लेकिन एक भगवान के तीन रूप है, आप लोग अच्छे तरह से ध्यान से सुनो। कहते एक भगवान के तीन रूप और उनका तीन भक्त है। बोले तीन भक्त और तीन रूप क्या है, बोले एक भक्त उनका ज्ञानी है और एक है योगी और एक भक्त है। तो जो ज्ञानी है वो एक ही भगवान को दूर से वो निराकार
निर्विशेष एक ज्योति रूप में दर्शन करता है। दूसरा भक्त योगी के तो हृदय में ये अंगुष्ठ परिमाण एक परमात्मा को ध्यान करता है। बोले भक्त क्या करता है, बोले भक्त जैसे लड्डू गोपाल जी, भगवान राम कृष्ण राधा रानी, जैसे सीताराम लक्ष्मी नारायण, इनकी ये स्वरूप की उपासना करते हैं, इनको भक्त कहलाते हैं। अभी प्रश्न है कि ये सबके सब क्या बराबर है सबके सब? बोले नहीं, बराबर नहीं। एक उदाहरण देकर समझाए, बोले जैसे आम का सीजी बड़े सुंदर मीठा मीठा दर्शन सुसाम आया, एक राजा ने एक सेवक को बोला मैंने सुना है देखो तो बड़ी सुंदर मार्केट में आम आया है। एक सेवक जाकर के देखा सचमुच से दुकान में एकदम पीले पीले रंग के आम बिक रहा है, वो देख करके वापस आ गया। राजा ने पूछा आम देखे हो, बोले महाराज बड़ा सुंदर पीले पीले रंग के दशहन चौसा। राजा दूसरे सेवक को भेजा देख करके आ, उसने देखा बड़ी सुंदर आम है और हाथ लगाया, बोला देखा वो भी वापस आ गया, बोले महाराज बड़े सुंदर आम है। राजा तीसरे सेवक को भेजा, बोले तू देख कर क्या, उसने देखा भी सुंघा भी स्पर्श भी किया, बोले 5 किलो आम दो। आम लेकर घर में आए, ठंडा पानी में भिगो आया, उसको अमणिया करके ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से भोग लगाया, जब उसने आम खाया ना बड़ा मीठा आम है। राजा ने पूछा आम तुमने देखा, बोले महाराज मैंने खुद खा कर देखा बड़ा मीठा आम है। देखो ये तीनों को आम मिला कि नहीं, देखो ये अच्छे तरह से हम लोग दिमाग में ये चीज बैठा, नहीं तो कभी कभी ना हम भ्रमित हो जाते हैं, कहते वो तो भगवान निराकार है, कोई कहते भगवान तो परमात्मा है, कोई कहते नहीं भगवान तो कृष्ण राम है नारायण है, कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं इसी विषय पर। इसलिए सुत गोस्वामी कहते हैं कहते यद्यपि ये तीनों का आम मिला है लेकिन मिलने पर भी ना सबको बराबर नहीं मिला है। प्रथम व्यक्ति जो आम को देखा केवल दूर से, बोले ये कौन है, बोले ज्ञानी है, जो केवल भगवान को दूर से एक ज्योति रूप में दर्शन करता है, उसको और कुछ नहीं मिलता है। भगवान कैसे, बोले निराकार तो निर्विशेष ज्योति है, उससे और कुछ नहीं मिलता है उसको। दूसरा व्यक्ति जो पास में गया स्पर्श भी किया सुना वापस आ गया, कहते ये कौन है, बोले योगी जो अपना हृदय में एक अंगुष्ठ परिमाण परमात्मा को हर समय ध्यान करता है, कहते ये योगी कहते ज्ञानी से भी ये योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो केवल दर्शन तक किया लेकिन उसको पर्स मिला है, उसको सुंघा है, इसलिए कहते उनसे ये श्रेष्ठ है। तीसरा व्यक्ति जो देखा भी खरीदी करके लाया भी और ठाकुर को भोग लगाया और उसने खाया भी, कहते ये कौन है, ये कौन, बोले भक्त है। ये कौन है, भक्त है। जैसे हनुमत लाल वो क्या करता है, अगर प्रभु राम को कहीं जाना है ना कंधे पर बैठा कर ले जाता है, रामचंद्र विश्राम कर रहे हैं, हनुमान जी क्या करता है ठाकुर जी चरण की सेवा करता है, ठाकुर जी बैठे हैं अपना पूछ से भगवान को सुंदर छतरी बना देते हैं ठाकुर जी के लिए, कहीं अगर कोई खबर पहुंचाना हनुमान जी क्या करता है जाकर खबर दे करके आता है, हैं? इसलिए जब राम दरबार लगता है हनुमान जी कहाँ बैठते हैं, चरणों के नीचे, ठाकुर जी की चरण की नीचे बैठते हैं। इसलिए कहते हैं तो भगवान किसके भगवान है, किसके भगवान है, भक्त के भगवान है। दुनिया कोई नहीं कहता है ज्ञानी का भगवान है, कोई नहीं कहता है योगी का भगवान, भगवान किसके हैं, भक्त के भगवान हैं। इसलिए हम कहते हैं श्री भक्त वत्सल भगवान की, इसलिए पूर्ण रूप में कहते एक भक्तों को ही पूर्ण रूप में ठाकुर जी की प्राप्ति होती है, कहते वही भगवान कहते जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कहते भागवत में भगवान की 24 अवतार कथा बात आई है, भगवान सर्वप्रथम भगवान ये चतुर्सन रूप में आए, ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र रूप में, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार है, ये चतुर्सन रूप में ठाकुर जी सृष्टि की, बोले संसार का काम करो सृष्टि का क्रिया बढ़ाओ, बोले पिताजी ये घर गृहस्थ बड़ा दुख में है, हम तो ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, बोले क्या ठाकुर जी जन्म दिया संसार करने के लिए संसार नहीं करोगे, बोले पिताजी हमारी कोई इच्छा नहीं, बोले इच्छा नहीं कोई, बोले नहीं, बोले ठीक है मैं तुमको वो अभिशाप देता हूँ जैसे जन्म लिए ना जिंदगी भर ऐसे ही रहो, ये
इसलिए चतुर्सन का उनका उम्र कभी बढ़ती नहीं, हर समय नंगे धड़के 5 साल उम्र में रहते हैं। चतुर्सन का पिताजी थोड़ी अभिशापी तो बरदान नहीं, बोले क्यों, बोले संसार का सारे बोझ किसको बोले, बड़े व्यक्तियों को बोले, छोटे बच्चे तो मस्ती से खेलते कूदते रहते हैं, आनंद में रहते हैं, ये हमारे लिए अभिशाप नहीं, ये हमारे लिए वरदान नहीं, हम तो मस्ती रहेंगे, प्रभु की कथा सुनेंगे और भगवान की कथा सुनाएंगे। भगवान का कोई दूसरा अवतार भगवान बराह रूप में आए, देखो बराह अवतार में शिक्षा दिया है, बोले हमें शाम का समय में 4 काम नहीं करनी चाहिए। हाँ, बोले क्या 4 काम नहीं करनी चाहिए, बोले पहला नंबर भोजन मत कर। अगर कोई ठीक संध्या समय में भोजन करेगा ना, आप देखना जिंदगी भर आपका पेट का उधर लोग रहेगा, कभी पेट का रोग सही नहीं होगा। दूसरा काम क्या है, शाम का समय में पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई शाम का समय पढ़ाई ना पढ़ोगे लेकिन आपकी याद कोई चीज नहीं रहेगी, इसलिए पढ़ना नहीं चाहिए। बोले तीसरा काम, बोले शाम का समय में सहवास करनी नहीं चाहिए, मतलब पत्नी को साथ में विहार नहीं करनी चाहिए, इसलिए भागवत में कथा आती है एक समय श्री दीति और राजकुमार ठीक शाम का समय था, उसने बड़ी सुंदर अपना शरीर को श्रृंगार किया और शीशा को सामने उसने खड़ी हुई अपना रूप को देख कर गई, इतने काम में मुक्त हो गई। उन्होंने अपना पति कश्यप जी को पास में मिलने के लिए गए, कश्यप जी ने कहा देखो दीदी ये समय सही समय नहीं है, इस समय नहीं मिलने चाहिए, इस समय में शंकर जी अपना भूत पिशाच को लेकर भ्रमण करते हैं, ये समय सही नहीं। लेकिन वो इतने कामातुर हो गए कि जबरदस्ती पति से मिले, कश्यप जी ने कहा तुमने अच्छी काम नहीं किया, तेरे पेट में राक्षस जन्म लेवा लेंगे, इसलिए क्योंकि पेट में हिरनाथ और हिरण्य कश्यप दो राक्षस जन्म हुए, इसलिए शास्त्र में बताया जिस दिन स्त्रियों को गर्भ में बच्चे आए उसी समय कोई बढ़िया समय हो, अगर ठाकुर जी को पूजा करके ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करके संतान आए ना, आप देखना वो बच्चा बड़ा संस्कारी बनेगा, सवेरे उठते ही पिता माता के चरण छुएगा, पिता माता का आदर से पावन करेगा, पिता माता की सेवा करेगा, अगर सही समय पर गर्भाधान नहीं होना फिर तो बच्चा बड़ा नटखट बनता है, हैं? पिता माता की बात नहीं सुनूंगा, जिंदगी भर पिता माता को सताते रहेगा, इसलिए कहते शाम का समय में चाहिए, और शाम का समय में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, शाम का समय में भोजन नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज करने के लिए वर्जित बताया गया, इसलिए हिरनाथ और हिरण्य कश्यप जन्म हुए और भगवान श्री बराह अवतार में ये हिरण्य बराह अवतार में उन्होंने श्री हिरण्यकश्यप को उन्होंने वध किया है। तो भगवान की जो चौथा तीसरा अवतार है तो ठाकुर जी श्री नारद रूप में आए, आप लोग सब नारद जी को जानते हैं, लेकिन जगत में नारद जी का बड़ा बदनाम है, हम कहते हैं ना तो क्या नारद जी का काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ लड़ाई लगा रहे हैं, ऐसे नहीं, नारद जी के बगैर कोई प्रभु की लीला ही नहीं हुई है, रामलीला देखो इसका मूल में श्री नारद होगी, भगवान कृष्ण लीला देखो इसका मूल में श्री नारद होगी, है इसलिए विशेष करके चले अद्भुत चले, बोले दो हुए हैं पालक, बोले कौन कौन, बोले एक ध्रुव और एक प्रहलाद, ये ध्रुव प्रहलाद 5 साल उम्र में उन्होंने भगवत प्राप्ति की, हम कथा सुनेंगे, ध्रुव जी ने 6 महीना में नारद जी की इतनी कृपा है, उनने 6 महीना तपस्या की तो 6 महीना में ठाकुर जी मिले प्रहलाद जी को, आप तो कथा जानते हो, जब उसको पिताजी ने पूछा बताओ तेरे भगवान कहाँ है, बोले ये तो बताओ मेरे भगवान है ही नहीं कहाँ तो बताओ, मेरे भगवान तो कणकणे में विद्यमान है, बोले ये खंभे में क्या है, बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर जी बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं, बोले पहले तेरे भगवान को दिखाता हूँ बाद में तेरे को दिखाऊंगा, उन्होंने मुष्टि का घात मार तो खंभा फट गया, साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हुए, बस नरसिंह भगवान की जोर से जयकार करो, बस नरसिंह भगवान की, इसलिए देखो ये जो नरसिंह भगवान है, देखो आप कहीं भी घर से बाहर जा रहे हो आपका घर में जरूर नरसिंह भगवान का पट रखो, नहीं तो घर के सामने भगवान
विपत्ति जीवन में आए, आप श्री नरसिंह भगवान की याद कर देना, आपका सारी विपत्ति हल हो जाएगी, सारी विपत्ति आपकी दूर हो जाएगी। हैं इतने महिमा श्री नरसिंह भगवान की। और इनकी दो चले हुए श्री वृद्ध हुए, कहते कौन कौन, एक व्यास और श्री एक वाल्मीकि। जो वाल्मीकि हुए उन्होंने ये रामायण ग्रंथ को जिन्होंने लिखा श्री वाल्मीकि है। दूसरा वृद्ध शिष्य हुए श्री व्यास देव, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखे, तो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखे। उनका दो चले ऐसे दो ग्रंथ लिखे जो हमारे सनातन धर्म के लिए अनमोल ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है रामायण और श्री श्रीमद् भागवत ग्रंथ हुए हैं। कहते श्री कहते भगवान की जो 14 अवतार हैं, ये नर नारायण ऋषि रूप में बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। आप लोग बद्रीनाथ गए हो, कौन कौन बद्रीनाथ गए, एक दो तीन चार पांच बद्रीनाथ गए, कौन कौन जाना चाहते हैं आप सब तो हम नहीं हाँ देखो देखो ध्यान देकर सुना देखो जो जो चार जो धाम है ना, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री, हमारी संस्कृति कहना है अगर ये चार धाम कोई एक बार दर्शन कर ले फिर पुनर्जन्म उस पर नहीं होता है, इसलिए पहले ये चार धाम जाना बड़ी कठिन था। जब शेष उम्र में कोई चार धाम जाते थे घर में बोल देते थे हमारे अंतिम संस्कार करते थे, हम वापस नहीं आ पाए, क्योंकि पहले चल चल करके जाना पड़ता था, बड़ा कठिन, अब बच्चे को पीछे नहीं, इसलिए बोल देते थे हमारे अंतिम संस्कार करते ना, पता नहीं हम आ पाएंगे, इतना कठिन था, चल चल करके लोग जाते थे। लेकिन अभी तो ऐसे हो गया 10 दिन में घूमा, गाड़ी लेकर के जाओ 10 दिन में हाँ घूम घाम करके आ जाओ, ये एक उपाय। लेकिन इससे और ये सरल उपाय, जो आप एक दिन में चार धाम नहीं चार जानते हो कौन सा उपाय है, देखो जब कृष्ण जन्म नहीं हुए थे श्री नंद बाबा ने मनोज रखा था, बोले प्रभु मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाएगी तो पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ मैं करने जाऊंगा, सारे तीर्थ घूमने जाऊंगा। अभी कृष्ण जन्म हो गए तो मनोज पूरी करनी चाहिए। अभी नंद बाबा सारे ब्रजवासी तैयार, चलो केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री लक्ष्मण झूला देव सरोवर देव सभा है, इसलिए अलग आनंदा, चलो हम सबके सब सारे तीर्थ घूमने जाते हैं। अभी कृष्ण ने देखा, देखो ये ब्रजवासी कितने भोले वाले हैं, ये कहते ये तीर्थ करने के लिए जाएंगे, कहते ना तीर्थ सुता के पग पग में प्रयाग जहां, बोले केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, बोले गोपिनी की द्वार कहे कसम कहे स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, ले जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी हैं। कर जो वृंदावन धाम है ना, पृथ्वी का ऐसे कोई तीर्थ नहीं जो ये वृंदावन धाम में निवास नहीं करता, सारे तीर्थ ये ब्रज धाम में विद्यमान हैं। इसलिए कहते ये गंगोत्री कौन है, बोले ठाकुर जी के चरण से गंगा निकली है, बोले ये यमुनोत्री कौन है, बोले केदारनाथ कौन है, बोले भोले बाबा है, कभी मेरे सेवक है, बोले ये बद्रीनाथ कौन है, कभी जो बद्रीनाथ है कभी श्री कृष्ण की अंश के अंश के अंश, जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म है, बोले देखो ये ब्रजवासी कितने भोले वाले, कहते चार धाम जाएगा, चार धाम तो यही पर है, बोले पिताजी कहाँ जाओगे, बोले सब धाम जाना चाहता हूँ, बोले मेरे साथ में आओ सारे धाम तो यही पर है। कृष्ण सारे ब्रजवासियों को लेकर के एक ब्रज मंडल में काव्य बने, कोई 84 क्रोश कोई परिक्रमा लगाए हो वृंदावन, 84 क्रोश कोई गए हो, कौन कौन गए 84 क्रोश, हाँ जो एक काव्य बन स्थान है ब्रज मंडल में, काव्य बन में लेकर गए, बोले सबके सब हाथ जोड़ो और आंख बंद करो और सारे तीर्थ को स्मरण करो। जब आंख बंद करके सारे तीर्थ को स्मरण किए, पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ थे वो सब के सब सारे तीर्थ वहीं पर प्रकट हो गए, सारे तीर्थ वहीं पर प्रकट हुए और सारे ब्रजवासियों ने सारे तीर्थ को उन्होंने दर्शन किया है। इसलिए अगर काम्यवन में एक बार कोई जाए, अभी भी वहां पर है, अभी भी वहां पर केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री सारे एक साथ
एक दिन में आप दर्शन करके सगड़े जाओगे ना, शाम को दर्शन करके आप वापस आ सकते, ये सबसे सरल उपाय है। कौन जाना चाहते हैं? एक बार आप ले जाएंगे और सब धाम दर्शन करा के यहाँ ले जाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बद्रीनाथ में ठाकुर जी नर नारायण ऋषि रूप में तपस्या करते हैं। बोले ठाकुर जी को पता है कलयुग का जीव ये तपस्या नहीं कर सकते, भगवान ने वरदान दिया अगर कोई कष्ट करके आए और केवल मेरे को दर्शन कर ले, वो दर्शन मात्र से ही मैं जो तपस्या कर रहा हूँ, तपस्या का छठवां भाग का फल मेरे को दर्शन मात्र से ही उन्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बद्रीनाथ दर्शन करने का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। एक बार आप सबको ले जाएंगे और दर्शन कराएंगे ले जाएंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं भगवान की उन्होंने 26 अवतार, मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह वामन परशुराम बलराम बुद्ध कल्प, उन्होंने 26 अवतार का नाम लिया। लेते लेते उन्होंने बोल दिया, बोले जो कृष्ण है जो बांके बिहारी के भी एक अवतार। सुतो गोस्वामी ने देखा मैंने तो गलती कर दिया। बोले क्यों? बोले कृष्ण भी एक अवतार है। बोले फिर कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण अवतार नहीं है। फिर कृष्ण कौन? बोले अवतार। बोले अवतार मतलब क्या? बोले जिनसे ये सारे अवतार आते हैं, सारे अवतार जिनसे आते हैं, जो 16 कला में जो परिपूर्ण है, केवल ये बांके बिहारी 16 कला में परिपूर्ण है, हैं बांके बिहारी। इसलिए फिर उनके लिए उन्होंने एक अलग श्लोक बनाए। बोले एते चार सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुल लोकम मृणयन्ति युगे युगे। बोले हे ऋषियों, ये जो बांके बिहारी है ना, इनका कोई अंश भी अंश कला और कोई विकला है, लेकिन जो कृष्ण ही ये पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ना, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम्। इसलिए जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था, कृष्ण ने कहा अर्जुन देख मैं कौन हूँ, उन्होंने सारे विश्व ब्रह्मांड दिखाया। बोले देखो जितने मत्स्य कुर्म बराह सब मेरे अंदर में, इंद्र चंद्र वायु वरुण जितने 33 गण देवता देख सब के सब मेरे अंदर में विद्यमान है। इसलिए मत्त परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़ कर के दुनिया में और कुछ है नहीं। तू सोच रहे हो ना मारोगे, हाँ कुरु वस्तु को मारोगे तो मारोगे क्या, पहले से मैं मार करके रहता हूँ। इसलिए निमित्त मात्र भव सब साची, केवल तो निमित्त मात्र बनो, मैं तो पहले से मार करके रहता हूँ, केवल तुम निमित्त बन जाओ। इसलिए कृष्ण को जब हम भक्ति करते हैं, देखो लड्डू गोपाल देखने में तो लगता है छोटे हैं, लेकिन बड़े खोटे हैं, और लग रहा है जैसे छोटे चुपचाप बैठे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी खुद कहते हैं, बोले जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि सो अशेष वसुधाति विभूति वर्णम तद ब्रह्म निष्कल अनंत अशेष भूतम गोविंद तमहम भजामि। इसलिए पितामह ब्रह्मा कहते हैं, बोले जिनकी एक एक लोक रूप में एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत करोड़ ब्रह्मांड विद्यमान है। जिनकी केवल एक इशारा हो जाए ना, जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाते हैं। ये कौन है? ये लड्डू गोपाल है, ये हमारे कृष्ण कन्हैया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जोर से बोलो, बोले श्री नंद के लाला की जय। जब उन्होंने 26 अवतार के उन्होंने वर्णना की, वर्णना करने का बाद तब यहाँ पर श्री सोनकादि ऋषि ने सुतो गोस्वामी को प्रश्न, जैसे यहाँ कथा हो रही है, अगर किस व्यक्ति को बोलो भैया कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए आए, इसकी छोटी मोटी कोई बिजनेस हो ना, बोले भैया मेरे पास में समय नहीं कथा सुनने के लिए। लेकिन परीक्षित महाराज उसी समय में वो चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती मतलब क्या, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर वो राजत्व कर रहे थे, सारे पृथ्वी के ऊपर। लेकिन इन्होंने सात दिन तक बैठ कर कभी कथा सुनी। सुखदेव गोस्वामी वो कैसे संत थे? बोले एक जगह पर उतना समय टिकते थे एक एक गोदोहन करने में जितना समय लगता है, उससे ज्यादा टिकते नहीं थे। वो 16 साल तक मुंह ही नहीं खोले, लेकिन जब उन्होंने मुंह एक बार खोले, सात दिन तक उन्होंने मुंह बंद ही नहीं किया।
कथाएं कथाएं सुनाते रहे, इसलिए हमें श्री ये भागवत ग्रंथ सुत श्री व्यास देव ने इसलिए क्यों उन्होंने ये भागवत ग्रंथ बनाया, आप कृपा करके मेरे को सारे बात बताने की कष्ट करें। ये प्रश्न सुन करके श्री सुत गोस्वामी उत्तर दिए, बोले द्वापर ये समय प्राप्त तृतीय युग पर जाए व्यास परासरोदकी तासप्याम कलया हरि। श्री व्यास देव जी अपना दिव्य दृष्टि से देखा है कलयुग आएगा। कलयुग में पहले क्या होता था, कोई ग्रंथ व्रत नहीं होता था, इतने इंटेलिजेंट इतने बुद्धिमान होते थे, जो बड़े बड़ों को पूछो पेड़ को नीचे गुरु जी सारे शास्त्र ग्रंथ पढ़ाए करते थे, और इतने इंटेलिजेंट होते थे, सारे वेद पुराण उपनिषद सब रख लेते थे, क्योंकि पहले ब्रह्मचर्य पालन करते थे, हर चीज प्योर चीज खाने के लिए मिलती थी, इसलिए शरीर में ताकत दिमाग बाल होते थे। कहते हर चीज का स्मरण करने के लिए ब्रह्मचर्य की बहुत जरूरत है। कहते ब्रह्मचर्य अगर कोई 25 साल तक धारण करे ना, आप जो कुछ पढ़ोगे सब कुछ याद हो जाएगा, पालन नहीं करेगा, इसलिए बुद्धि धीरे 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 बुद्धि ह्रास होती जाएगा। इसलिए व्यास देव जी ने देखा कलयुग आएगा तो धीरे धीरे बुद्धि ह्रास होती जाएगी, इसलिए पहले एक वेद था, उन्होंने एक वेद को उन्होंने 4 वेद रूप में प्रकाशित कर दिया, फिर उन्होंने उपनिषद बनाए, फिर उन्होंने ब्रह्मसूत्र बनाए, फिर उन्होंने 17 पुराण बनाए। देखा स्त्री शूद्रों को वेद में अधिकार नहीं, ये 5वां वेद उन्होंने महाभारत की रचना की जिसमें ये भगवत गीता है, लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी उनको मन में शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन श्री नारद जी वीणा बजाते बजाते श्री श्री नारद जी आए, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 तेज राशि जगतपति दुनिया को तेज राशि देने वाले को बोले श्री
सूर्य देव है, सूर्य ही सब कुछ है, हैं? इसलिए जो जो ग्रंथों को पढ़ेगा ना वो बोलेगा वही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। फिर तो कभी कभी इनके अंदर में लड़ाई भी हो जाएगा, बोले नहीं ये बड़े, ये बड़े, ये बड़े है, हैं? ये बड़े हैं। इसलिए ये देखो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को तुम रचना करो, जिस ग्रंथ में शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति की बात बताओ, शुद्ध भगवान के भक्त और भगवान के सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कथा बनाओ। क्योंकि जो जीव है, जीव का जो स्वरूप है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का ही अंश है। इसलिए जीव का जो परम कर्तव्य है वो ईश्वर की उपासना करना ही जीव का परम कर्तव्य है। जिसमें तुम तो भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर कथा सुनाओ, सुंदर सुंदर भक्तों के चरित्र सुनाओ, जिसको सुनकर के जीव की कल्याण और मंगल हो। फिर तुमने क्या बता दिया, और एक बात बता दिया, बोले भजन कब करेंगे, बोले ये संसार करते 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 जब संसार से नफरत हो जाएगा ना, फिर तो जब फिर एक दो माला कर लेना, एक दो माला फिर कर लेना। भैया संसार करते करते कभी संसार से किसी जीव को विरक्ति कभी होता है? बल्कि देखना, आप नजर करके देखना, जितने वृद्ध होते जाएंगे ना संसार में उतना ज्यादा आसक्ति हो जाता है, ज्यादा जितनी उम्र होती जाएगी देखना उतना ही ज्यादा तुम्हारे संसार में आसक्ति बढ़ते जाती है। कभी संसार से आसक्ति ध्यान देकर समझ। बल एक समय श्री नारद जी मरते जगत में आए और उन्होंने घर घर में गए, घर घर में जाकर के पूछे, बोले सब तो कुशल मंगल है ना, घर में ठीक ठाक है, सब के सब तो सार हिलाए ठीक ठाक है। लेकिन जब उन्होंने अंदर की बात पूछने के लिए गए ना, देखा संसार में कोई भी ठीक ठाक नहीं है, दुखी कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी, दुखी दुखी। एक व्यक्ति को देखा नहीं कोई चैन से संसार में जी रहा है। नारद जी वैकुंठ में गए, वैकुंठ में गए तो देखा वैकुंठ खाली पड़ा हुआ, बोले ठाकुर जी की दुनिया का अपने बनाया, बोले हाँ, बोले बना दिया तो आपने, और क्या करने चाहिए, बोले ये वैकुंठ पूरा खाली पड़ा हुआ है, कुछ जीव को वहां से उठा करके ले आओ, कोई आपके लिए फूल की माला बनाएगा, कोई परिष्कार करेगा, कोई रसोई बनाएगा, यहाँ पर सेवा है आपको, कुछ ले आओ ना जीवों को। बोले नारद जी मैंने 24-24 अवतार लिया है ये संसार से जीव को उद्धार करने के लिए, लेकिन एक जीव भी संसार छोड़कर जाना नहीं चाहता। बोले प्रभु आप बहाना बना रहे, संसार में दुखी दुखी कोई आना नहीं चाहता। बोले नहीं, नारद बोले मेरे को विश्वास नहीं होता है। ठाकुर जी बोले देखो इसका दायित्व मैं तेरे को देता हूँ, जा जी जितने मिले ना बैकुंठ ले आना। बोले प्रभु आज ही ये बैकुंठ में भर दूंगा, पूरा बैकुंठ भर जाएगा। बोले ठीक है। नारद जी बिना बजा कर जाते आए, आए तो देखा एक किसान खेती कर रहा था, जेठ की महीना शरीर से पसीना पसीना बह रहा था। बोले ये तो जरूर जाएगा, इतना कष्ट भोगकर है जरूर। बोले किसान भैया, बोले क्या बात है, बोले बैकुंठ पूरा खाली पड़ा हुआ। ठाकुर जी बोले जितने जीव मिले उठा करके ले बैकुंठ चलो। बोले रास्ता देख, बोले बैकुंठ चलो, तेरे कोई काम धाम नहीं, खेती करूंगा, बीवी बच्चे, बोले बैकुंठ चलो। और थोड़ी दूर गए, देखे कि माता जी पानी भर रहे थे कुएं से। बोले माता जी जाएंगे, बोले माता जी बैकुंठ चलोगे? ठाकुर जी बोले जो मिले उनको लेकर के आ जाए, बैकुंठ चलोगे? बोले बाबा अभी मैं रोटी बना करके पानी लेने के लिए आई हूँ, अभी फिर जा करके रसोई बनाऊंगी, फिर परिवार खाएंगे, तू घर में बैकुंठ चलो, रास्ता देख, हमारा बैकुंठ जाने का कोई समय नहीं। बोले ठाकुर तो सही बोल रहे थे, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। चलते चलते देखा एक 80 साल के वृद्ध घर के सामने बैठा हुआ। बोले ये तो जरूर जाएगा, बूढ़ा हो गया कोई काम धाम नहीं, ये तो जरूर जाएगा। बोले आपका नाम क्या है? बोले कैलाश। बोले ठाकुर जी बोले जितने जीव मिले उसको पकड़ करके बैकुंठ ले आओ, बैकुंठ चलोगे? बोले जाने का इच्छा है, लेकिन जो बेटा है ना इसकी सगाई हो गई, अभी शादी होने वाला, बेटा जब शादी हो जाएगा ना फिर सारे काम खत्म, फिर तो बैकुंठ चलोगा। नारद जी ने देखा कोई तो जाने के लिए तैयारी हुए नहीं, कम से कम एक व्यक्ति हाँ भरा, नारद तो उसको पीछे ही पड़ गए। बोले बताओ कब आओ? बोले कुछ दिन बाद में आओ, सगाई हो गई शादी होने वाली। नारद जी कुछ दिन बाद में आए, बोले क्यों बेटा का शादी हो गया? बोले बहुत बढ़िया बहू आई,
सवेरे उठते ही प्यार छुट्टी है, बोलने से पहले चाय पानी और एकदम घी में रोटी भिगो भिगो करके बढ़िया रोटी खिलाती है, प्यार भी दबा देती है, बहुत अच्छी वो आई। बोले अभी तो वैकुंठ चलो। बोले देखो नारद जी, मैंने सुना पुत्र को जन्म देने से पुत्र नाम का नरक से उद्धार होता है, अगर नाती पोती इनके मुंह देखो ना, मैंने सुना स्वर्ग होता है, इसलिए मन में कोई इच्छा नहीं। अभी जो बहू ना गर्भवती है, कुछ दिन बाद में बच्चा होने वाले, बस बच्चे का मुंह देखकर सीधा जाऊंगा। नारद जी बोले पहले बोला बेटा का शादी हो जाए, कहता है मेरे नाती पोती इनके मुंह देख करके जाऊंगा। बोले कब आओ? बोले कुछ दिन बाद में आओ। नारद जी जब कुछ दिन बाद में आए ना, देखा वहां कैलाश है ही नहीं। बेटे से पूछा भैया पिताजी कहाँ गए? बोले पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया। बोले हे भगवान, बड़े कष्ट से एक चेला बनने वाला था, चेला भी स्वर्ग चला गया। अभी नारद जी ने देखा ये कहीं नहीं है किसी घर में, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं हे अर्जुन, जम जम व्यापी शरण भाव त्यजत अंत कले वरम तम तम एव कौंतेय सदा तद्भव भाव। कृष्ण स्वयं कहते हैं, क्या कृष्ण कहते हैं? बोले जी अंतिम समय में जैसे जैसे अंतिम समय में अपना स्मरण करे ना मरते समय, उसको गति ठीक वैसे ही होता है। बोले भैया ये कहीं नहीं गया, ये संसार में बड़ा आसक्त था, इसी घर में किसी ना किसी रूप में इसी घर में जन्म लिया है, कहीं नहीं गया। उसने देखा ना घर में कुत्ता बन गया है, कुत्ता बन करके आया है, कितना दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ है। एकदम सही बात है, दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ, जिसका जो दाना पड़ेंगे ना वो वहीं पर जाएगा जी, वो जाएगा वहां पर, देखा वही पिताजी ही कुत्ता बन करके आए उसके घर में और रखवाली कर रहे हैं। नारद जी बात क्या? बोले कैलाश अभी तो कुत्ता बन गए हो। बोले हाँ गुरु जी कुत्ता बन गया हूँ। बोले देखो ये बच्चा थोड़ी सी होनहार हो जाए, कि ये जमीन जगह की सब देख रहे हैं ना, इसको मैंने कष्ट करके कमाया, लेकिन ये बच्चा ना रात को ऐसे सो जाते हैं, ऐसे सो जाते हैं, उसको होश आवास नहीं रहता है, फिर रात भर में भोग भोग करते करते पूरा इसका पहरा डाल देता हूँ, इसलिए बच्चा थोड़ी सी होना हो जाए फिर मैं वैकुंठ चलूंगा। बोले कब आओ? बोले कुछ दिन बाद में आओ। कुछ दिन बाद में आकर के देखा कुत्ता भी शरीर छोड़ देता है। बोले कुत्ता कहाँ गया? बोले कुत्ता तो शरीर छोड़ दिया। बोले ये कहीं नहीं गया, घर में तर जन्म लिया है। ध्यान लगा करके देखा घर में वो बैल बैठ करके आया, वो खेती करता है। नारद जी ने कहा बेटा अभी तो वैकुंठ चल। बोले गुरु जी ये जो जमीन जगह है ना, इसमें मैंने कमाया सारा मेरी है, ये बच्चा क्या करता है, मैंने कितने कष्ट करके कमाया ये मेरे को बता। ये खेती करता नहीं, आधा खेती करके आधा खेती छोड़ देता है, इसलिए मैं उसको जोर जबरदस्ती लेकर उसको मैं खेती करवाता रहता हूँ। बोले हे भगवान कितना आसक्ति देखो संसार में। बोले बताओ फिर कब चलोगे? बोले बच्चा थोड़ा और होना हो जाए। फिर जब कुछ दिन बाद में आता है, देखता है वो बैल नहीं, वो बैल भी नहीं। बोले बैल कहाँ गया? बोले बैल तो बैल शरीर ही छोड़ दिया। फिर उन्होंने ध्यान लगाया कि गया कहाँ, वो ध्यान लगा करके देखा। आप लोगों को पता होगा पहले पहले कलसी में सोने चांदी को रख करके वो मिट्टी को नीचे गाड़ देते थे, चोरी नहीं हो जाए, लेकिन उन्होंने अपना बगीचा में गाड़ रखे थे, लेकिन उनको याद था मैंने कहाँ पर गाड़ा। वो उसको ऊपर में एक जहरीले एक सर्प बन करके बैठा हुआ और किसी को पास में फटकने नहीं दे रहा है। नारद जी ने देखा जब तक इसको डंडा नहीं पड़ेगा ये ठंडा होने वाले नहीं, उसको पीछे चार जन्मों में भटक दिया हो। उसको बच्चे को बोला देख बेटा तेरे पिताजी एक कलसी में सोना चांदी को तुम्हारी बगीचा में गाड़ करके रखे हैं और उसको ऊपर में एक जहरीला सर्प बैठा हुआ है, इसलिए एक डंडा लेकर के आ, देखो उसको जान से नहीं मारना, उसको केवल कमर तोड़ देना। फिर तो बच्चा बड़ा खुश होकर आया, आ देखना पिताजी को सर्प का कमर टूट जाएगा फिर सर्प भाग नहीं पाता। इतने में नारद जी बोले क्यों कैलाश अभी भजन करोगे? बोले गुरु जी अभी मैं भजन करूंगा, इसका पीछे तीन जन्म भटक गया, ये थोड़ी सी भी सुधरने वाले नहीं, सोच रहा था ये सुधर जाएगा, ये सुधरा नहीं, इसलिए गुरु जी मेरे को मंत्र दो अभी मैं भगवान की भजन करूंगा। देखो आप लोग बोलोगे सब गप्पे हैं, कौन देखता है कौन देखता है कुत्ता बना, कौन देखता है बैल बना, कौन
बोलता है कि सर्प बना, मैं कल आपको एक चीज दिखाऊंगा। मैं कथा करने के लिए गया था एक झाड़ ग्राम बंगाल में। जब मैंने ये सब कथा सुनाया ना, एक व्यक्ति ने दूसरे दिन एक नीम की पपड़ लेकर आया और नीम की पपड़ में देखा, बोले बाबा आप जो बोल रहे थे सही है। बोले क्या है? बोले ये नीम की पपड़ को पढ़ो, ये नीम की पपड़ को पढ़ो। उसमें ये लिखा हुआ था, एक व्यक्ति अपना घर की बनाने के लिए उसके नीम खोद रहा था। नीम खोदते समय फावड़ा में मिट्टी खोद रहा था, हठात में झन करके आवाज हुई। भैया आवाज कहां से आई? देखिए वहां पर दो पीतल का कलश भी थी और जिसमें सोने चांदी के उसमें है? और दो जहरीले सर्प वो कलश में लपेट करके बैठे हुए थे, जो जहरीले काले सर्प है और किसी तरह से वो कलश छोड़ना नहीं चाह रहा था। इतने पुलिस में खबर हो गया, दो कलश निकला जिसमें सोने चांदी की मोहर है लेकिन दो जहरीले सर्प बैठे हुए। इतने में पुलिस ही आकर उसको जब्त कर लिया और जो सर्प को जो पकड़ने वाले होते सप्पर एक को बुलाया, बुला करके दोनों सर्प को बोरी में डाले और उसको करीब 3-4 किलोमीटर में छोड़ करके आया। छोड़ करके आया तो आधा घंटा में देखा फिर दो सर्प वहीं पर घूम रहे। किसी तरह से वो कलश को छोड़ना नहीं चाहते। मैं कल वो न्यूज पेपर आपको दिखाऊंगा, आप लोगों को पढ़ना उसमें डिटेल स्वरूप में कौन सा गांव कौन व्यक्ति डिटेल स्वरूप में। देखो ये गीता का श्लोक है, कृष्ण स्वयं कहते हैं जम जम व्यापी शरण भाव त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भाव भावितहे अर्जुन। अंतिम समय में हम भरत महाराज की कथा भी सुनेंगे कि भरत महाराज जी बड़े भजन कर रहे थे लेकिन अंतिम समय में हिरण बन कर क्या है। ये आसक्ति इतनी जोर जबरदस्ती ये आसक्ति होती है। इसलिए देखो आप लोग बोलोगे भैया हमारा तो घर गृहस्थी, हम तो साधु संत है, हम घर बार छोड़ के साधु तो बन जाएंगे, ये तो संभव नहीं। कहते भैया घर बार छोड़ने का कोई जरूरत नहीं। किस चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं? जोड़ो, छोड़ने का जरूरत नहीं। क्या करो? भगवान की भक्ति के साथ में जुड़ जाओ। कैसे जुड़ेंगे? बोले अपना घर को क्या मानो? बोले भगवान के दरबार, ठाकुर ने दरबार दिया, ठाकुर जी का घर है। बोले बच्चा कौन है? बोले ठाकुर जी की बच्चा है, भगवान ने दिया बच्चा है। बोले घर किसकी है? बोले ठाकुर जी का घर है। अगर जिस घर में झाड़ू लगाओ क्या समझ गए कि ठाकुर जी के दरबार में झाड़ू लगा रहे, भगवान की मंदिर में झाड़ू लगा रहे। बच्चे को थपथप भी करा के सुलाओ है। इधर जैसे गोपियां वो भी घर गृहस्थी थी, वो भी घर में रहती थी लेकिन बच्चों को थपथप भी लगा कर इधर सुलाती थी लेकिन मुंह में क्या बोलती थी? बोले गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो नंदी जी सो
बने बस गयो नंदी किशो अब जाना नहीं कहीं बसारो वृंदावन Thank you.
चंद्रमा में देख
कृष्णा ने कहा देखो राधे चंद्रमा में बहुत गुण है। बोले क्या गुण है चंद्रमा में? आप देखना दिन भर सूर्य का किरण से सब तप जाता है, लेकिन रात को जब चंद्रमा उदय होना हृदय से सब तप जाता है। इसलिए चंद्रमा में अभी राधा रानी को मनाए कैसे? बताओ राधा रानी को कैसे मनाऊं? बोले देखो राधा रानी को मरु का नृत्य बहुत पसंद, आप मरु बनकर नाचो। तब कृष्ण मरु बनकर बड़ी सुंदर उन्होंने नृत्य किया मरु बनकर के, लेकिन बड़ी सुंदर हाव भाव से नृत्य कर रहे थे। कृष्ण ने बोले ललित राधा रानी बोले ललिता ये बताओ ये सारे मरु तो एक जैसे नाच रहे हैं, लेकिन ये एक विशेष मरु बड़े हाव भाव से क्यों नाच रहा है और इसका प्रतिबंध मन इतना आकृष्ट क्यों हो रहा है? बोले देखो ईश्वर जी ये और कहीं श्याम सुंदर तेरे मन परिजान के लिए मरु बने। बोले कृष्ण मेरे परिजान के लिए मरु बने, तब राधा रानी ने मरु बने। इसलिए दोनों मरु मरु बन करके जहाँ नृत्य किया ना उसका नाम है मरु कुटी। अगर कभी बरसाना जाओगे गहर बन के परिक्रमा करोगे तो ना सबसे जो ऊंचा स्थान है वो मरु कुटी उसका नाम है। इसलिए कभी राधा रानी मयूर ही बनी थी, इसलिए राधा जी की स्मृति के लिए श्याम सुंदर क्या करते हैं सर पर मोर मुख लगाते हैं। कितना कारण हो गया? तीन कारण हो गया। चौथा कारण है एक समय कृष्ण बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बंसुरी बजा रहे थे। आप देखना मयूर कब नृत्य करता है, जब आकाश में काला मेघ छा जाए है वहां पर बिजली चमकने लग जाए गड़गड़ शब्द होना रिम झिम बारिश ही हो देखना तभी मयूर नृत्य करता है। एक दिन कृष्ण बड़ी सुंदर मीठी मीठी आवाज से बंसुरी बजा रहे थे। कृष्ण का रंग कैसे है? काला मेघ जैसे। पिता पर कैसे है? कृष्ण मान मेघ में बिजली चमक रही है, लेकिन जो बंसुरी की आवाज कर रहे थे कैसे गड़गड़ शब्द हो। इतने में मयूर को कृष्ण को देख करके धीरे धीरे करके नाचना शुरू कर दिया। जब नृत्य करता देखना जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है ना खुश होता है, फिर हम लोग पैसा लेकर घुमा घुमा कर देते हैं ना। अभी मयूर तो बड़ा सुंदर नृत्य किया, मयूर तो खुश हो गया। बोले भैया कृष्ण को तो कुछ देनी चाहिए ना, कहते मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास में तो केवल मयूर पंख है। इतने में मयूर ने अपना पंखों को झाड़ दिया, झाड़ दिया तो वहां से एक मयूर पंख दिया। वो प्रेम की उपहार है, इसलिए कृष्ण वो मोर पंख लिए और अपना सर पर लगा दिए। ये मोर पंख कृष्ण इसका पंचमा गाना बताए। एक दिन कृष्ण चल रहे थे, देखा मेघ रोड में एक मोर पंख गिरा हुआ है। देखो बोले कन्हैया मैं जिसको पीछे लगा हुआ था ना देख उसने मेरे को छोड़ दिया, मैं कैसे मेघ रोड में पड़ा रहा, मेरे को कोई उठाने वाले नहीं। बोले चिंता क्यों करते हो, दुनिया में जिसको कोई नहीं पूछते ना पूछने वाला मैं। इसलिए कृष्ण मयूर को कोठाई पर क्या अपना सर जीव अपना सर पर लगा दिया। इसलिए कृष्ण को कहते करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते। कृष्ण कौन है? बोले करुणा की समुद्र है दीन का बंधु है। इसलिए पूजा करते तो किसको पूजा करो? श्री बांके बिहारी को। बस श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। इसलिए कृष्ण बड़े सुंदर वैजयंती माला पहने हुए ठाकुर जी और कृष्ण बड़ी सुंदर मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं। इसलिए कभी कभी राधा रानी को डाह हो जाती सखियों को गोपियों को। बोले क्यों? बोले अगले जीवन में अगर राधा रानी कहती मैं और मैं राधा बन करके नहीं आऊंगी, आऊंगी ना मैं बंसुरी बन करके। बोले क्यों? बोले देखो कृष्ण को हम गोपी कृष्ण के आधार बनकर ना हमारे दिखा, लेकिन देखो देखो तो सही है बंसुरी हमें ये अंगूठा दिखा दिखा करके हमारे अधिकार को यही छीन रहा है। कृष्ण के सारे अधरा वृत्त को ही पार कर रहा है। कृष्ण कभी बंसुरी छोड़ते नहीं, कभी अधर में कभी कमर में है, कभी अधर में कभी कमर में कभी हाथों में, ये बंसुरी को तो छोड़ते नहीं। कृष्ण बंसुरी कैसे बजाते हैं? ऐसे बंसुरी बजाते हैं ऐसे। इसलिए राधा रानी कहती है देखो जैसे एक राजा महाराजा की सेवा होती है कृष्ण ऐसे सेवा करते हैं। जैसे राजा महाराज जैसे डल्लब गति के ऊपर विश्राम करते हैं, कहते कृष्ण का जो दो अंगुल नहीं ये डल्लब ये क्या बिस्तरा है, और वो अंगुल उसको ऐसे चलाते हैं, बोले अंगुल नहीं चला रहे हैं उसकी चरण की सेवा कर रहे हैं। बोले कान में जो कुंडल, बोले कुंडल नहीं जैसे राजा को सर के ऊपर छत्री धारण करते हैं। आंखों का जो पलक झपके, बोले पलक नहीं झप रहे हैं मान उनको ये हवा कर रहे हैं। बोले इनका जो होंठ किया तक किया
हाँ कितने लोग ये तकिया है। देखो कृष्ण ये बंसुरी को कितने सौभाग्य प्रदान करते हैं। राधा रानी कहती है अगले जीवन में और मैं राधा नहीं बनूंगी, क्या बनकर के आऊंगी, मैं बंसुरी बनकर के आऊंगी और कन्या में अर्जुन अपना पास में रखा करेंगे। इसलिए कृष्ण जब वृंदावन में सखाओं के साथ में प्रवेश करते हैं, सखा लोग बोलते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की। उन्होंने ये श्लोक उन्होंने सिखा दिया किसको, श्री पहला चेले को। अभी सुखदेव गोस्वामी को पहले ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मज्ञानी मतलब क्या, वो भगवान को निराकार निर्विशेष कोई रूप नहीं गुण नहीं एक ज्योति रूप में ध्यान करते। लेकिन कृष्ण तो बड़े सुंदर है। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी के कान में ये श्लोक गया ना, सुखदेव गोस्वामी अपना ब्रह्म ध्यान को त्याग करके बाहर निकल कर आ गए। बोले भैया ये श्लोक तुमको मिली कहाँ से। बोले हमारे गुरु जी ने कहा मेरी एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया है। हमने कहा भैया तोता हम लाएंगे कैसे। बोले ये श्लोक सुन करके अपने आप जो पकड़ में आ जाए ना, समझना ये मेरी तोता है। बोले भैया मैं वही तोता हूँ, मैं वही तोता हूँ। बोले देखो बांके बिहार के दिखने में बड़े सुंदर है, बड़े प्यारे हैं। अरे कोई इधर हम भक्ति करेंगे तो ये चीज को अच्छे तरह से समझ लो, भक्ति करेंगे तो ये बांके बिहार का उपयोग करें ये चीज को अच्छे तरह से समझ लो। और भी तो देवा देवी है ना, लेकिन ये कृष्ण सेवा क्यों करें ये चीज को अच्छे तरह से समझ लो। समझाने के लिए कोशिश करिए, किसी दुनिया में जैसे आप किसी बेटी को कहीं शादी दोगे, शादी देने से पहले सबसे पहले क्या देखोगे, वो लड़का कितने सुंदर है देखोगे ना। बोले भैया पार्सनल कितना सुंदर लड़का है। भले कोई चीज आप मत देखा करो, सबसे देखोगे कि बेटा देखने में कैसे। इसलिए हमारे बांके बिहार देखने में कैसे हैं। कभी कभी गोपियां कृष्ण पर ताना मारती हैं, बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों में। बोले अच्छा हुआ तेरे को परमात्मा ने लाली नहीं बनाकर लाला बना दिया, तू इतने सुंदर, तू इतने सुंदर। अगर लाली बनता ना विश्व ब्रह्मांड में जितने क्षत्रिय तेरे को पाने के लिए युद्ध करते रहते सब खत्म हो जाते। अच्छा हो गया तो लाली भी अगर लाल हो गया। कभी कभी कृष्ण पर ताना मारते हैं। इसलिए कृष्ण जैसे सुंदर है ना, दुनिया में और सुंदर कोई जगत में है नहीं। इसलिए बोले बांके बिहारी की देख चका और मेरे मन है गयो, मेरे मन है गयो, कुछ बोलते नहीं। इसलिए कृष्ण सबसे सुंदर है। जब पहला चेला ने ये बात बताया ना, इतने में दूसरा फिर सुखदेव गोस्वामी प्रश्न करते, बोले भैया कृष्ण बड़े सुंदर है लेकिन दूसरी चीज है ये कुछ बिजनेस बिजनेस कोई काम धाम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बेटी को शादी देंगे अगर वो लफंग अगर घूमेगा तो बेटी को खिलाएगा ऐसे, बेटी भूखे तो नहीं मर जाएगी, वो कहाँ रहते कोई माल पानी है कि नहीं। दूसरा चला है दूसरे श्लोक को बताए, बोले जयति परिवार कैसे है, उनके परिवार कैसे है।
फिर तीसरा चेला कहता है बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले उनको पिताजी का नाम नंद, नंद मतलब क्या? बोले आनंद दैत्य नंद, सबको आनंद देने वाले। बोले मैया का नाम बोले जसोदा, बोले जसोदा मतलब सबको जो जस लगे रहते। कहते भैया का नाम बोले दाऊ दयाल, दाऊ दयाल हृदय। इसलिए उनका जो परिवार है ना बड़ा सुंदर परिवार, बेटी को दोगे तो बेटी खुश रहेगी, यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं, बड़ी खुश रहेगी। तीन चीज बढ़िया हो गया। तो चौथा चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखने में सुंदर, घर में पैसा की कमी नहीं, परिवार बढ़िया। चौथा चीज जो प्रश्न करते हैं उसका नेचर कैसे है, उसका नेचर कैसे है। भले ही तेरा पास में पैसा हो, दुनिया सब कुछ हो, देखने में सुंदर, अगर दिन अगर पीपा अगर पड़ा रहता है, बात बात भर पिटाई करना शुरू कर, हाथ उठाता है, मारता है, पीटता है, भले ही वो बेटा जितने सुंदर क्यों नहीं हो, भले ही वो जितने बढ़िया पैसा क्यों नहीं हो परिवार, फिर आप बेटी को वहां शादी करवाओगे? बोले भैया जरूरत नहीं बेटी को शादी करने का, है बड़ा क्रोधी है, बात बात भर हाथ उठाता है, मारता है, पीटता है, दिन भर पीपा आकर पड़ा रहता है, जुआ, भैया जरूरत नहीं बेटी को शादी करने का। इसलिए चौथा चेला ने प्रश्न किया, सुखदेव गोसाई प्रश्न करते चौथा चले को, भैया उसको नेचर कैसे है। चौथा चला ने चौदह श्लोकों को बोले, बोले अहो बकियम स्तन काल कोटम जिज्ञासया अपि असाध्य। बोले उसकी नेचर की बात कर रहे हो, वो इतने दयालु, कृष्ण इतने दयालु। पुतना जब गई थी ना, वो पहला नंबर थी पुतना, पुतना मतलब जो पवित्र अपवित्र, लेकर के क्या गई थी? बोले जहर, जहर थी कौन? बोले राक्षसी। बोले करती थी क्या? बोले दुष्टा थी, लेकिन हमारे बांके बिहारी इतने दयालु, इतने दयालु, गुण अवगुण प्रभु देखो ना था, उन्होंने कोई अवगुण को नहीं देखा। वो जो माँ की बेस बना करके आई थी, कृष्ण को एक सेकंड के लिए माँ रूप में दर्शन दी, कृष्ण उसके लिए बोलो तो वृंदावन स्थान दे दी, ठाकुर उसको बोलो तो वृंदावन स्थान दे दिए। इतने दयालु कृष्ण है। जब सुखदेव गोस्वामी सुने ना, हाथ उठा करके बोले कब बा दयालु शरणम ब्रज मे, ऐसे कृष्ण को छोड़ करके हम करें किसको भक्ति करें। इसलिए भक्ति करते किसको करो? नंदलाल कृष्ण कन्याश्री बांके बिहारी को भक्ति करनी चाहिए। लेकिन दूसरे दूसरे देवादेवी में क्या होता है, अगर थोड़ी सी उल्टा पुलटा हो जाएगा तुम्हारी फिर तो जना हो जाएगा। लेकिन कृष्ण भक्ति में कभी ऐसे नहीं होगा। क्यों? कृष्ण जैसे बच्चा अगर माँ की गोद में टाटी पेशाब कर देता है, भैया क्रोध करती है, क्रोध नहीं साफ कर देती है। इसलिए हमारी मातो में व माता च पिता तो में वो, ये हमारे पिता माता है। अगर तुम्हारी भक्ति में इधर उधर होगा ना, बांके बिहारी कुछ तुम्हारी दोष नहीं देखेगा, है तुम्हारी दोष नहीं देखेगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते भैया भक्ति करना तो श्री कृष्ण को ही भक्ति करनी चाहिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जोर से बोलो। बोले श्री नंद के लाला की जय, बोले श्री जसोदा दुलारा की जय। अभी सुखदेव गोस्वामी जब आए व्यास तब ने उनको पूरी भागवत कथा सुनाई। कहते ये किसकी कथा सुने? बोले भागवत ग्रंथ की जो वक्ता। बोले भैया श्रोता कौन है? बोले भैया श्रोता भी साधारण नहीं, श्रोता कौन है? श्री परीक्षित हैं। कहते परीक्षित की क्या महिमा है? यहाँ पर अभी महाभारत की तरफ में कथा बोली है। क्या देखो ये जो महाभारत है ना, शिक्षा देते हैं। कभी कभी हमारे घर में भी महाभारत हो जाता है, ये दो कारणों को लेकर। कहते पहला कारण क्या है? बोले पहला कारण देखो, माताओं को सावधान कराते हैं। ये महाभारत क्यों हुआ? बोले द्रौपदी की वजह से। ये द्रौपदी ने थोड़ी सी दुर्योधन को इतनी सी बात बोल दी, अंधा का बेटा अंधा होता है, केवल जीवा उसको स्लीप हो गई, इतना हो गया, कुछ नहीं, केवल अंधा के होता। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे देखना हर चीज में हड्डी है, अंगुली में हड्डी सीधा हो जाएगी, हाथ में हड्डी सीधा हो जाएगी, पैर में हड्डी चलते हो, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं है। इसमें हड्डी नहीं बोलो तो लगता है तुम लोग सब पंडित हो, सब जानते हो, केवल ये जीवा में हड्डी नहीं। इसलिए ना जीवा देना हर लपर 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 कुछ ना बोलता रहेगा, वो कुछ चुप नहीं रहेगा, देना बोलता रहेगा कुछ ना कुछ। बोलो अच्छी बात है, लेकिन भगवान की कथा बोलो, ठाकुर का नाम जप कर अच्छी बात है। इसलिए कहते जीवा को कभी
उल्टा पुल्टा काम में मत लगा, बिना संसार कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है, लेकिन जीवा थोड़ी सी स्वीक हो गई, थोड़ी सी कैसे बाहरी उल्टा पुल्टा निकल गई, देखा ना बस भाई 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 बहु बहु भी, फिर तो घर घर में वहां मार तोड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए सावधान करते भैया, जीवा को इधर उधर मत चलाया करो, बोलो कुछ सोच विचार करके आप बोला करो। बोले रामायण ने क्या हुआ, यही भैया सीता ने लक्ष्मण को थोड़ी सी कड़ी वचन बोल दी, जब मारी जी ने हिरण बन करके आया, भगवान राम हिरण को पीछे चले गए, वो था मारी, जब भगवान राम बाण मारे उत्थराक्षस जोर से बुलाया भैया लक्ष्मण, प्रभु राम को फिर कोई विपत्ति पड़ी, लक्ष्मण पता है कभी भैया को विपत्ति आ नहीं सकती, वो बोले नहीं मेरे को भैया बोले आपको देख कर देखना यहाँ से जाना नहीं, भैया मेरे को बोल कर गए। इतने में सीता जी ये बात बोल दी, बोले अभी मैं समझ रही हूँ तू साथ में क्यों आया था, ओ तो ये समझ रहे हो राम मरेगा तो तुम्हें शादी करोगे, लेकिन लक्ष्मण जो सीता को अपना माँ मानते हैं, अगर माँ इसे बोले वो कैसे सहन कर सकती है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण फिर उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण रेखा को उन्होंने काट कर दिया, बोले माता जी कभी भी रेखा से बाहर दिया, लेकिन सीता माता ने ये दो गलती किया, क्या किया है, पहला नंबर गलती की तो उल्टा पुल्टा बोली, फिर उधर लक्ष्मण रेखा को पार किया तो रावण उठा कर ले, यहाँ शिक्षा देते हैं माताओं को कभी भी आप लोग मर्यादा रेखा को पार मत किया नहीं तो रावण उठा कर ले जाएगा। आप बोलोगे भैया रावण कहाँ है, बोले त्रेता युग में तो एक रावण था, अभी घर घर में रावण है, मर्यादा को उल्लंघन नहीं करनी चाहिए, उल्लंघन कभी मत किया कर, अपना मर्यादा रहेंगे हम संसार में सुख और शांति में रहेंगे, अगर उल्टा पुल्टा करेंगे तो जीवन भर दुख दुख बने रहेंगे, हैं? इसलिए कहते ये एक है। दूसरा चीज क्या है, ये दुर्योधन क्या सोचता था, महाभारत हमें का दूसरा कारण बताया, वो सोचता था सारे संपत्ति हमें मिल जाए, ये संपत्ति और किसको नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए पांडवों का भी संपत्ति सबके सब मेरे को मिल जाए, इसलिए कहते भैया ये दो कारण से महाभारत हुई, अभी भी संसार में ये दो कारण से महाभारत होती है, ये दो कारण से महाभारत होती है। इसलिए जिस समय श्री परीक्षित महाराज ने मातृ गर्भ में थे, अस्वस्थ मान उनको ब्रह्मास्त्र प्रयोग की, और इतने में श्री उत्तरा उन्होंने कृष्ण शरण में चले गए, कहते ना जाकर आके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैल हुई, इसलिए उन्होंने ठाकुर जी के शरण में चले गए, फिर उन्होंने गर्भ में प्रवेश करके गदा घुमा घुमा करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र को निस्तेज किया और परीक्षित महाराज को बचाए, और गर्भ में उन्होंने ठाकुर को दर्शन किया था, इसलिए जन्म होते ही परीक्षा कर रहे थे सबको, भैया जो काले काले मुरली वाले को मैंने देखा वो कहाँ है, वो सबको परीक्षा कर रहे थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया श्री परीक्षित महाराज बने। इसलिए कहते इनकी बत्ता जैसे भागवत भी श्रेष्ठ है, श्रोता भी साधारण नहीं, ये दोनों ही महान है, श्रोता और श्री बत्ता। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, श्री परीक्षित महाराज की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय कृष्ण को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे थे, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले प्रभु जगत में जो कृष्ण भक्ति करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, बोले उनसे बड़े कौन है, बोले श्री वसुदेव महाराज, बोले क्यों कृष्ण कौन है, बोले जगत पिता जगन्नाथ कृष्ण है, लेकिन वो करके उन्होंने किसकी उन्होंने बेटा बेटा पिता रूप में किसको स्वीकार किया, बोले वसुदेव महाराज, बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले देवकी मैया, बोले क्यों, बोले गर्भ में किसने कृष्ण को धारण किया है,
माँ के धार में क्या शिक्षा देते हैं बच्चे में, जिसका अधिकार पिताजी का जितना अधिकार है ना उसमें ज्यादा माँ के अधिकार है, बच्चे में ज्यादा माँ के अधिकार, इसमें पिताजी से श्रेष्ठ माँ है। लेकिन उनसे बड़े कौन है? बोले श्री नंद बाबा, मैया जसोदा। बोले किस लिए? बोले कृष्णा तो मथुरा में प्रकट हुए हैं लेकिन उनको पल्ला में किसने बुलाया, दूध किसने पिलाया, अंगुल पकड़ करके ठुमक ठुमक करके चलाना किसने सिखाया? बोले श्री नंद बाबा। इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए ये श्रेष्ठ है। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले ब्रज की गोपियां। बोले क्यों? बोले भगवान रास किसको साथ में किए? रास मतलब क्या? रस। रास मतलब रस है। ठाकुर जी रास किसको साथ में किए? बोले ब्रज गोपियों को साथ में रास किए, इसलिए श्रेष्ठ ये ब्रज गोपियां। लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले ये गोपियां भी जिनके चरण की सेवा करके, बोले किसकी? बोले श्री राधा रानी की। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए बड़ी सुंदर सुंदर कुंती स्तुति कर रहे हैं। एक दिन कृष्ण ने कहा बुआ जी आप तो उल्टा दूल्हा बहा रहे हो, मैं भाती जात मुझे आपकी स्तुति करनी चाहिए, आप मेरे को उल्टा स्तुति कर रहे हो। कुंती बोले प्रभु यही तो तेरी माया है ना, कहा विश्व ब्रह्मांड अगर तुम मालिक हो, किसको बुआ किसको पिता किसको मैया, तुमने सारा दुनिया को माया में हैं माया में चक्कर कटवा रहे हो, सारा दुनिया के मालिक हो। कृष्ण ने कहा ठीक है बुआ जी, आज तुम्हारे मन में जो इच्छा है ना मेरे से भरना, झोली फैला कर जो मांगोगे मैं सो देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कुंती क्या बर मांगती है? बोले प्रभु अगर मेरे को दिलाना मेरे झोली में तो विपत्ति भर लो, मेरे झोली में क्या दो? विपत्ति दे दो। बोले बुआ जी सारा दुनिया कहते सुख संपत्ति खरे आवे कष्ट क्या कष्ट मिटे तर्क का, सारा दुनिया मेरे पास में यही कहते, अब तुम कह रहे हो मेरे को झोली में दुख दे दो, कारण क्या है? बोले कारण प्रभु यही है, कहते दुख के माथे सील सुख के माथे सील पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलि हरि वो दुख को जो पल पल नाम जपाए। इसलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरन करे दुख काहे करे। इसलिए प्रभु दुख में तेरे को याद करते हैं, सुख में तेरे को कोई याद नहीं करता है। आप लोग सही सही बताओ तो, आप बताओ दुख में ज्यादा याद करते हो ना सुख में ज्यादा याद करते हो? बोलो किस में ज्यादा याद करते हो? किस में याद करते हो? दुख में ही ज्यादा हम ठाकुर जी को, दुख में ही ठाकुर को ज्यादा याद करते हैं, और सुख में तो ठाकुर जी को भूल जाते हैं। इसलिए श्री कुंती कहती है बोले प्रभु चार व्यक्ति तेरा भजन नहीं करेगा। बोले वो चार व्यक्ति कौन तेरा भजन नहीं करेगा? बोले जन्म ऐश्वर्य श्री भी प्रभु, जिसको पास में थोड़ा ज्यादा पैसा हो जाएगा, अरे हमारे पास में किसी की कमी, ये कथा बता भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास में किसी की कमी है। बोले प्रभु वो रोज क्लब में जाएगा लेकिन कथा में नहीं भजन में नहीं करेगा। इसलिए पहला नंबर ये पैसा की बात है, दूसरा नंबर जिसका थोड़ा चमड़ा सुंदर हो जाए, हीरो हीरोइन होता है जिसका चमड़ा थोड़ा सुंदर हो जाए बोले प्रभु वो तेरे भजन नहीं करेंगे। बोले तीसरा व्यक्ति कौन? बोले थोड़ी सी ज्ञान आ जाए, थोड़ी सी डिग्री मिल जाए, हैं? बोले अरे ये सब बेकार बात है, हैं सब बेकार चीज है, कथा बता भक्ति, वो भक्ति नहीं करेगा। और जन्म जिसको उच्च कुल में जिसकी जन्म हो जाए, हैं? क्योंकि ये चार तरह का जो मद है प्रभु ये व्यक्ति तेरा भजन नहीं करेंगे। इसलिए नम अकिंचन विताल निवृत गुण हृदय, तुम तो दीनहीन का तुम धन हो प्रभु। इसलिए मैया कुंती बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की स्तुति की। अभी पितामह भीष्म जी सर सज्जा में लेटे हुए, इनकी अंतिम इच्छा है ठाकुर जी को स्मरण करते करते, ठाकुर को दर्शन करते करते अंतिम श्वास को त्याग कर भगवान उनकी अंतिम इच्छा को उन्होंने पूरी की। जिस समय पितामह भीष्म शरीर छोड़े साक्षात कृष्ण सामने खड़े, भगवान सामने खड़े थे, ठाकुर को दर्शन कर रहे हैं, मुंह में ठाकुर का नाम लेते लेते जब अंतिम श्वास त्याग दी, देवता लोग तो देख देख कर हैरान हो गए। बोले क्यों? बोले जन्म जन्म मोनी जाता ना कराए जन्म जन्म जन्म
जिसमें एक मुनि है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। कहते मुनि लोग जन्म जन्मांतर जतन करने पर भी कहते अंतिम समय में ठाकुर का नाम मुंह से सहज में नहीं आती है। इसलिए कोई कोई कहते ना, अरे भक्ति ये बचपन से करने का क्या जरूरत है, जो बूढ़ा हो जाएगा ना, जब बुढ़ापा हो जाओगे, किसी काम धाम के नहीं रह जाओगे, एक दो हवा कर लेना, ये बचपन से भक्ति करने का क्या जरूरत। कोई कोई बोलते है ना, कहते नहीं भैया, कहते ऋषि लोग तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, ये लोग जतन करने पर भी अंतिम समय में नाम आना बड़ा कठिन है, और तुम जिंदगी भर भजन करोगे नहीं, बोलेगा अंतिम समय में ठाकुर का नाम हो जाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को समझा रहे, बोले बच्चों भक्ति कौमार आचरित प्राप्त है, भक्ति 5 साल से करनी चाहिए। बच्चों ने कहा प्रहलाद 5 साल से नहीं करें, जब बड़े हो जाएंगे तब करेंगे। प्रहलाद कहते तुम्हारे पास भाई जान टिकट रखा हुआ है, उसको पहले अगर राम नाम सत्य हो गया तो फिर क्या करोगे। बोले नहीं तो नेक्स्ट जीवन में करेंगे। बोले दुर्लभ मनुष्य जन्म, बच्चों ठाकुर जी ये मानव शरीर बारंबार नहीं देते हैं, कहती है जो 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिला। इसलिए बच्चों क्या करो, बचपन से भगवान की भक्ति करना शुरू करो। तो बच्चों ने पूछे हम बचपन से क्यों करें, तो उन्हें 3-4 उदाहरण दिया है। देखो कितना बढ़िया उदाहरण दिया, बोले जब मिट्टी जब कच्चा हो ना, अब कच्चा मिट्टी से जो कुछ बनाना वो बना सकते हो, लेकिन मिट्टी जब पक जाएगी उसमें कोई चीज बनेगी। अब बता पक जाने पर कुछ बनेगी, बनेगी नहीं। जब कागज कोरे कागज होना उसमें जो कुछ लिखना तो सब लिख सकते हो, लेकिन कागज में जब एक बार लिख जाती है फिर उसको पर आप कुछ नहीं लिख सकते हो, दोनों भर जाएगा। फूल जब खिला हुआ हो वो खिले हुए फूल पर ठाकुर जी के चरणों में हम दे सकते हैं, लेकिन फूल जब मुरझा जाए फिर ठाकुर जी के चरणों में चढ़ता है नहीं चढ़ती है। बांस जब कच्चा हो अब जिधर टेढ़ा करना तो उसको टेढ़ा कर सकते हो, लेकिन बांस जब पक जाती है फिर टेढ़ा होती है, वो टूट जाएगी टेढ़ा होना टेढ़ा नहीं होगी। इसलिए बोले भैया सरकार इसको रिटायर क्यों करता है, बोलते ना रिटायर लाइफ में भक्ति करेंगे, सरकार क्यों रिटायर करता है, देखता है ये 8-10 घंटा बैठ कर और काम कर नहीं सकता है। बोले भैया जो कुछ होना होगा तो घर में जाओ। बोले साधारण सरकार जब तुमको रिटायर कर दिया फिर भगवान की भक्ति क्या करोगे। भक्ति हमें कहते बचपन से हमें भगवान की भक्ति की आदत डालनी चाहिए। देखो जैसे समझो आप लोग कोशिश करो 10 मिनट बैठो भगवान की याद करने के लिए, केवल 10 मिनट बैठो, आप देखना 1 मिनट भी मन भजन में नहीं लगेगी। अब स्वयं देखो 1 मिनट भी आंख बंद करते ही बेटा बेटी नाती पोती दुनियादारी दिखे, लेकिन 1 मिनट 10 मिनट में 1 मिनट में मन नहीं लगे। बोले क्यों, बोले रील में जो भरा होगा वही निकलेगा, रील में जिंदगी भर जो चीज भरे ना निकलेगा वही निकलेगा। कचड़े तो जिंदगी भर भर दिया है, कचड़े भर रहे थे तो कचड़ा तो निकलेगा, भगवान की भक्ति में क्यों निकलेगा। इसलिए प्रहलाद जैसे बच्चों को कोई पढ़ाई करो कोई चीज याद करो रट याद हो जाता है, लेकिन बड़े बूढ़ों को बोलो कोई चीज याद करे 1000 बार रट लो रट नहीं सकते हो, क्योंकि पक गया है ये पक्की। इसलिए मीरा कितनी उम्र से भजन की बता, मीरा ने कितनी उम्र से 5 साल उम्र भजन की, ध्रुव महाराज 5 साल उम्र, प्रहलाद 5 साल, तुलसीदास जवानी में, हनुमान जी बचपन से, गोपियां बचपन से, बूढ़े होकर कोई भजन नहीं किया है, बूढ़े होकर कोई भजन नहीं किया है। इसलिए प्रहलाद कहते भैया भक्ति का आदत है ना, बचपन से भक्ति की आदत डालो हैं, फिर तो अंतिम समय में रील में जो भरोगे वही तो निकलेगा ना। देखो जैसे कि बच्चा, जैसे आप लोग लिखाई पढ़ाई तो हम लोग किए होंगे ना, कोई CA किया होगा, कोई इंजीनियरिंग किया होगा, कोई डॉक्टर किया होगा, सबके सब पढ़े लिखे होंगे। आप बताओ कितने साल से वो पढ़े हो, अब देखना 20-25 साल की पढ़ाई हम लोगों ने किया होगा, क्या होगा ना, जब एग्जाम आता है ना आप देखना 10-10 घंटा 15-15 घंटा हम रटते हैं, कल पेपर है पूरा पुस्तकों को दिमाग में भर करके ले जाते हैं, जा करके फिर हम एग्जाम देते हैं। ऐसे कितना साल से पढ़ाई किया बताओ, 25 साल तक कितने लाख रुपया खर्चा किया पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आपको जब नौकरी मिला होगा ना, आपको जब नौकरी मिला होगा कितना कितना घंटा में जाकर के एग्जाम दिए पढ़ाई करना पड़ा 25 साल तक, कितने पैसा किया
हैं क्या क्या किए हो, जो लोग तबला बजाते हैं ना, दस दस तबला बजाते हैं, पांच मिनट लास्ट मिनट बजाना है, बस पांच मिनट में नौकरी लग जाती है। इसलिए उसी तरह इसलिए जन्म जो श्लोक में जन्म है जन्म मुनि जन्म कर आए, इसमें दूसरा अर्थ होता है जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, फिर क्या होगा, बोले अंत राम कही, तभी जाकर के अंतिम समय में राम का नाम निकलेगा। कहते अंत राम कही फिर आवत नाही, फिर संसार का नाम निकलेगा, फिर तो ठाकुर को बात समझना पड़ेगा। इसलिए अंतिम समय में भगवत स्मरण हो, हमारे ठाकुर जी की स्मरण हो, इसलिए क्या करनी चाहिए, भक्ति हमें बचपन से भगवान की भक्ति की हमें आदत डालनी चाहिए। इसलिए पितामह भीष्म जब अंतिम समय में भगवत दर्शन भगवत नाम लेकर के जब गए, सारे देवता प्रसन्न हो गए और स्वर्ग लोग से सब जैसा उसको भी बौछार कर रहे थे और इनकी जयकार किए। बोले श्री पितामह भीष्म की, बोले श्री पितामह भीष्म की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो कल है हमारी कथा में सबसे बड़ा उत्सव, कल है, बताओ कल क्या है, कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले, ठाकुर जी जन्म लेने वाले, इसलिए बोलते ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इसलिए कल ठाकुर जी जन्म होंगे। जब मैया यशोदा गर्भ धारण की ना, जितने ब्रज की गोपियां थी हैं, वो छह छह महीना पहले चौरासी चौरासी गज की लहंगा चुद्दर बिना करके रखे, बोले नंद के लाला होगा तो हम सबके सब उसको पहन करके हम बधाई देने जाएंगे। और जितने गोप लोग थे ना, बगलबंदी धोती पगड़ी सब बना करके रखे, बोले नंद का लाला होगा तो हम सबके सब पहन करके जाएंगे। इसलिए कल भगवान जन्म लेंगे, इसलिए जितने माता है ना सबके सब गोपी भाव से, ठाकुर जी केवल प्रेम के होते हैं, ठाकुर जी ठाकुर जी और किसी चीज में होते नहीं, ठाकुर जी प्रेम के होते हैं। इसलिए सबके सब मैया दशता के भाव से गोपी भाव से बड़े सुंदर साड़ी पहन करके, कौन सा रंग के साड़ी पहनोगे, पीला रंग के, कौन सा रंग के, भैया नहीं हो तो उधार करके पहन करके पहन, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे नहीं भाई लोगों को फिर तंग करोगे नहीं, घर में पीला रंग नहीं साड़ी खरीदोगे नहीं, कोशिश करना अगर पीला रंग हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो जो है उसको ही पहन करके आना। लेकिन बढ़िया सज धज करके जैसे शादी में जाते हैं ना, ऐसे ही शादी में जैसे जाते हो ऐसे ही बड़ा सज धज करके सुंदर रूप में आना, ठीक है। और जितने पुरुष लोग हैं सबके सब भाव से सबके सब धोती बगलबंदी हो तो बढ़िया है, नहीं तो जो कुछ हो उसको पहन करके आना। कल हम लोग बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, बड़े सुंदर रूप में नंद महोत्सव बनाएंगे। हाँ देखो, हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसलिए अभी भगवत कृष्ण जब कृष्ण द्वारका चले गए, अर्जुन कृष्ण को लेकर द्वारका में गए, एक दिन युधिष्ठिर महाराज बड़े अपस्वप्न देख रहे थे, उनकी वाम नेत्र फड़क रहा था, वाम बाहु फड़क रहा था, बाम जंघा फड़क रहा था। पुरुष लोगों का जो बाम अगर अंग फड़के तो ये अच्छे नहीं, ये अपशब्द, ये माताओं की अगर फड़के तो अच्छी बात है, पुरुष लोग के लिए डाण आंख डाण भुजा फड़के तो ये अच्छे सपन ये अच्छी है। लेकिन उन्होंने देखा मेरे सब सारे अपशब्द दिख रहा है, इतने में देखा अर्जुन को वापस आए और अर्जुन का चेहरा एकदम लटका हुआ था, बोले अर्जुन क्या हो गया, बोले भगवान कृष्ण ये जगत छोड़ कर चले, ठाकुर जी ये जगत छोड़ करके चली गई। तब उन्होंने कृष्ण की एक एक लीलाओं का स्मरण करते हुए वो रो रहे थे, बोले भैया आपको पता है जिस समय आप जुआ खेलते मिलते पहले दाव में तो पहले राज्य को लगा दिया, राज्य में चला गया, फिर दाव में भाइयों को लगा दिया, भाई लोग भी चले गए, लास्ट में दुर्योधन ने कहा आपके पास में सबसे बड़ी संपत्ति अभी भी है, बोले क्या है, बोले द्रौपदी, इन्होंने दाव पर उन्होंने द्रौपदी को भी उन्होंने दाव में लगा दिया। जब द्रौपदी का दाव में लगा दिया उसको भी जीत लिया कपट जुआ खेल में, बोले दुशासन अभी द्रौपदी राज रानी नहीं, अभी हमारी दासी है, जा उसको पकड़ कर घिसड़ते हुए ले आओ, और उसको घिसड़ते हुए बड़ी सभा में लेकर के आ गए। और उसी समय में वो रजस्वला अवस्था में थी, जब भरी सभा में ले आए उसी समय में
वो आंख फाड़ फाड़ करके अपना पतियों को तरफ कर देख रही थी। पहले द्रौपदी की बड़ी अभिमान थी, अहंकार थी। क्या अहंकार थी? बोले मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि मेरे पांच पांच पति हैं। अर्जुन कौन है? सर्वश्रेष्ठ गांडीव धारी। भीमसेन कौन है? सर्वश्रेष्ठ गदाधारी। युधिष्ठिर महाराज सर्वश्रेष्ठ भाला युद्धम है, और श्री नकुल सहस्र तलवार युद्धम, एक से एक बढ़ गए। उसकी बड़ी अभिमान थी, मेरे पांच पांच पति पर कौन क्या कर सकता है। लेकिन जब हरि सभा में घिसटते हुए ले आए, वो अपना पतियों की तरफ में आंख फाड़ फाड़ कर देख रही है। कुछ तो कोई बोलेगा, लेकिन सबके सब सर झुका कर बैठा, सबके सर झुका कर बैठे। अगर एक बोली बोल देना, किसका हिम्मत नहीं कपड़ा स्पर्श कर सकता, वो भी सर नीचा करके बैठे हुए। धृतराष्ट्र बैठा हुआ, कुलगुरु बैठे हुए, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहे। हाँ देखो, ये जो द्रौपदी ना, ये द्रौपदी ये बात उत्तरा को कह रही थी। उत्तरा, अगर किसकी शरण में जाना है ना, बोले वाक्य बिहारी के शरण में जाओ, ये मेरी आजमाया हुआ चीज है। उत्तरा बोली, क्या क्या आजमाया हुआ चीज है? पर पहले मेरे बड़ी डीग हाँकती थी, मेरे पांच पांच पति हैं, मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन जब अंतिम समय में विपत्ति आई ना, ही मेरे को बचाने के लिए नहीं आए, और अंतिम समय में मैं खुद अपना कपड़े को पकड़ करके रखी थी, मैं स्वयं अपने आप का रक्षा कर लूंगी। लेकिन दुशासन जहाँ पर इतना बलवान साड़ी खेच रहा है, वो क्या कर सकती है? जब उन्हें कपड़ा को जोर से खेच, उसी समय में द्रौपदी ने जब हाथ उठा करके, हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हरि, हे वाक्य बिहारी तेरी सिवाय और कोई भी हमें रक्षा करने वाले नहीं, जब दोनों हाथ उठा करके भगवान को स्मरण किए, कितने में कृष्ण अपना उत्तरी को उन्होंने फेंक दिए, उन्होंने अपना उत्तरी को फेंक दिए। 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10,000 साड़ी खत्म नहीं हुई। सारा दुनिया देख रहे थे, साड़ी है साड़ी बीच कोई नारी ना, नारी बीच कोई साड़ी है, सारा दुनिया देख रहे थे। देखो हमें शिक्षा देते हैं भैया, अगर शरण में जाना है ना, किसकी शरण में जाओ? किसकी शरण में जाओ? बोल किसकी शरण में जाओ? ठाकुर जी की शरण में जाओ, हैं? ठाकुर की शरण में, क्योंकि अंतिम समय में अगर कोई मदद करने वाला होगा ना, जितने जो कुछ करे, अंतिम समय में कोई भी हमारे काम में कोई भी आने वाले नहीं, रक्षा करने वाले आने वाले थे केवल श्री बांके बिहारी। जब द्रौपदी के पांच पांच पति कोई काम में नहीं आए, हमारी कौन है रक्षा करने? इसलिए कहते भैया शरण में जाना तो श्री ठाकुर जी की शरण में जाओ। इसलिए जा गिरा के साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जना जग भैर है। इसलिए उन्होंने एक एक कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करते हुए रो रहे थे। इतने में जब माता कुंती को पता चला कृष्ण जी संसार छोड़कर चले गए, और जब कृष्ण गए फिर रह कर चला, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिए। पांडव ने देखा जब कृष्ण नहीं गए फिर हम क्यों रहे, उन्होंने श्री युधिष्ठिर श्री परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर का राजा विजय कर दिया, और पंच पांडव भी महाप्रयाण में चले गए। जब श्री परीक्षित महाराज राज्योत्तर कर रहे थे, एक दिन उन्होंने बड़े अपशकुन देखा, बहुत बुरी चीज देखी। बोले भैया मेरे देश में इस अपशकुन क्यों देख रहे हैं? एक दिन उन्होंने भ्रमण करते करते जब प्राची नदी के किनारे में पहुंचे, एक आश्चर्य घटना देखा। बोले क्या देखा? देखा एक गैया और देखा एक बैल है जिसकी तीन पैर नहीं, वो एक पैर में खड़ा हुआ, और एक पैर को तोड़ने के लिए एक है सूत्र, एक राजा एक पैर को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, और वो बिलख बिलख करके रो रही थी। परीक्षित महाराज देख करके उनको बड़ा क्रोध आया, उन्होंने म्यान से तलवार निकाली और उनको मारने के लिए झपड़ पड़े। लेकिन वो था साक्षात कली। कली को पता है ये अर्जुन का वंशज है, ये शरणागत व्यक्ति को ही कभी मारते नहीं। उन्होंने सीखा इनकी चरण में लेट गई। बोले आप कौन हो? बोले मैं कली। बोले ये गैया कौन है? बोले ये पृथ्वी है। बोले ये गैया क्यों रो रही है? बोले कृष्ण चले गए, अभी कली युग आएगा, लोग बड़े अधर्म कर्म करेंगे, इसलिए पृथ्वी दुखी हो रही है, मैंने ये अधर्म कैसे सहन करेगी।
बोले ये धर्म है, ये कौन है, ये धर्म है। बोले भैया ये कौन, तुम कौन हो? बोले मैं साक्षात कली हूँ। बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं कलयुग में जो एक प्यार में धर्म खड़ा हुआ है, बोले एक प्यार को भी मैं तोड़ने के लिए कोशिश करता हूँ। क्यों? मेरी राजा तो होनी चाहिए, कलयुग में कोई धर्म कर्म नहीं रहनी चाहिए, सारे धर्म कर्म को मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं इस जगत में रहूंगा, तेरा कोई अधिकार नहीं, मेरे सामने निकल जाने की तो जान से खत्म कर दूंगा। बोले जाऊंगा तो जाऊंगा, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में पहले ये परीक्षित राजत्व कर रहे थे। बोले जाऊंगा, मैं जहां जाता हूं वहीं पर ही आपको मैं धनुष बाण लिए हुए खड़े हुआ देखता हूं, मैं जाऊंगा, इसलिए मेरे को भी स्थान दे दो। परीक्षित महाराज ने देखा कलयुग में तो कली ही कली, अशांति अशांति कलयुग में, लेकिन कलयुग में एक अच्छी गुण भी है। बोले कलयुग में क्या गुण है? बड़े कलयुग के चिंतामणि का मतलब क्या होता है? पर एक समय एक व्यक्ति ने रास्ता में चल रहे थे, हाथ में खाली झोली थी, लेकिन रास्ता में चलते चलते उन्होंने देखा 100 रुपया की गड्डी के बेटी पड़ा हुआ, लेकिन इसका कोई मालिक नहीं, लेकिन आपका हाथ में एक खाली थैली, आप बताओ आप क्या करो? बोलो आप कुछ बोल नहीं रहे, वो पैसा उसका कोई मालिक नहीं, रास्ता में पड़ा हुआ गड्डी के गड्डी 100 रुपया के, आपका हाथ में आप क्या करोगे? कुछ बोल भी रहे हो, आप कोशिश करोगे पैसे को भरने के लिए, उसका कोई मालिक नहीं, आप चोरी नहीं कर रहे हो, 100 रुपया गड्डी के गड्डी भरोगे, पूरा थाली भर गया। लेकिन और जब थोड़ी दूर गए ना, देखा 500 रुपया गड्डी के गड्डी पड़ा हुआ, जिसका कोई मालिक नहीं, रास्ता में पैसे पड़ा हुआ, फिर आप क्या करोगे? आप कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या चक्कर है? फिर 100 रुपया गड्डी गड्डी फेंकोगे, जो 500 रुपया मिल रहा है, 100 रुपया की क्या जरूरत है? लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, देखा 2000 रुपया गड्डी गड्डी, लेकिन आपका थाली भरा हुआ, फिर क्या करोगे? कोई बोलो जोर से बोला। तो इसमें एक बढ़िया चीज हम समझाना चाहते हैं, फिर अब क्या करोगे? फिर 500 रुपया गड्डी को फेंकोगे, जब 2000 पर 500 रुपया क्या जरूरत है? 2000 इसमें, लेकिन जब आपको धीरे चबारा बिखरता हुआ मिला, फिर क्या करोगे? फिर 2000 रुपया की गड्डी गड्डी फेंकोगे, फिर उसमें धीरे चबारा तो भरोगे, लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, उससे भी कीमती चीज मिली है, उससे कीमती चीज आपको पता क्या है? जिसको कहते पारस मणि, पारस मणि का नाम सुने होंगे,
जो लोहे को स्पर्श करा और लोहे को भी जो सोना बना देती है, इसको पारसमय कहते हैं। इसलिए आपको पारसमय मिला, फिर क्या करेंगे, फिर सब चीज फेंकोगे, क्यों, लोहे और कितना पैसा, लोहे लाओ टच कराओ सब सोना बनते जाए, सब सोना बनते जाएगा, इसलिए पारसमय लोगो। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, बल्कि उससे भैया उससे कोई कीमती चीज हो सकता है, ये भागवत में आते हैं, जिसका नाम कहते स्यमंतक मणि। हम आगे सुनेंगे, ये स्यमंतक मणि सूर्य देवता ने ये 17 जीति को दिया था, जिनका बेटी सत्यभामा है। अब भागवत में कथा आती है, वो जो स्यमंतक मणि का विशेषत्व है, रोज रोज अष्टभार सुवर्ण, अपने आप जिसमें सोने की चट्टान अपने आप निकलती है, सोने की चट्टान अपने आप जिससे निकलते हैं, इसको कहते स्यमंतक मणि। पर स्यमंतक मणि मिलेगा तो फिर क्या करोगे, पारस मणि को भी फेंकोगे, पर स्यमंतक मणि लोगे, क्यों, पारस पत्थर के लिए तो लोहे लाओ टच कराओ सोना बनेगा, इससे तो अपने आप सोना की चट्टान अपने आप निकल रहा है। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, उससे भी कीमती चीज मिलता है, उससे भी कीमती चीज। आप बोलोगे स्यमंतक मणि से भी कीमती चीज है, आप बता सकते हो चीज क्या है, भागवत कहता है नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, उसको कहते नाम चिंतामणि, ठाकुर जी जो नाम को उसको चिंतामणि बताया। बोले भैया चिंतामणि का मतलब क्या, बोले चिंतामणि का मतलब है जो चिंता करो वही मिलेगा, जो चिंता करो आपको वही मिलेगा, लेकिन जो स्यमंतक मणि वो केवल आपको सोना ही देगा, खाने पीने का कोई चीज नहीं देगा, इच्छा हो ऐसी घर चाहे वो ऐसी घर नहीं देगा, इच्छा हो आज हम बढ़िया कोई खाना चाहते वो नहीं देगा, इच्छा हो बढ़िया कपड़ा पहना वो नहीं देगा, वो केवल सोना ही देगा और कुछ नहीं देगा। लेकिन चिंतामणि क्या देगा, जो मांगो जो चिंता करो वही मिलेगा, वो क्या है, नाम है, ये नाम है, ये नाम को चिंता नहीं बताया गया। इसलिए आप हनुमान जी का नाम जानते हो, कौन कौन हनुमान का नाम सुने हो, आप लोग सब जानते हैं। इसलिए ये हनुमान जी दिन भर क्या करता है, देखना क्या करते हैं, बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, केवल नाम के प्रभाव से। अब माता देवी का नाम जानते हो, माँ देवी का नाम आप देखना, उनको 8 हाथों में 1 हाथ में रखने माला, इसलिए एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न करती है, बोले प्रभु किसकी नाम हमें जप करनी चाहिए, शंकर स्वयं कहते हैं बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम परम। शंकर जी कहते बोले पार्वती जो विष्णु सहस्र नाम को अगर कोई एक बार करे जो फल मिलेगा, एक बार राम का नाम लेने से वही फल मिलेगा, तभी से माता पार्वती भगवान के नाम जप करती है। इसलिए अब रामचरितमानस में पढ़ना, कहते सहस्र नाम सुनी प्रिय वाणी जपी जय संग प्रिय भवानी, कहते पार्वती शंकर जी के लिए क्यों प्यारी है, कारण है दिन रात उनका नाम जप करती हैं, इसलिए शंकर जी को पार्वती इतने प्यारी है। अब गणेश जी का नाम सुने हो, कौन कौन गणेश जी का नाम जानते हो, सब जानते हो, ये गणेश जी की पहला पूजा क्यों होता है, बोले एक समय 33 करोड़ देवता लोग की मीटिंग बनाई, बोले देखो सबसे अग्र पूजा उसकी होगी, ये विश्व ब्रह्मांड का परिक्रमा करके सबसे पहली बार जाएगा,
उसकी पूजा पहले पहले हुई थी। अभी देखो भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है मोदी, इसके लिए कितना पार्टी कितने लड़ाई केवल भारत के लिए, लेकिन ये 33 करोड़ देवता में सबसे पहला पूजा को ज्यादा ना पाते। अभी तो ब्रह्मा जी अपना हंस वाहन से उड़ चले, कार्तिक अपना मोर वाहन से उड़ चले, अपना अपना वाहन को लेकर उड़ चले, क्योंकि अग्र पूजा उसकी होगी जो ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आएगा। गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा। अभी वो चूहा को लेकर कहाँ जाए? इतने में नारद जी आए, बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे बात, बोले कोई चिंता मत करो, तुम भगवान कृष्ण ने एक राम का नाम लिखो और उसका 3 बार परिक्रमा करो। ये तो पता नहीं एक ब्रह्मांड को कितना दिनों में परिक्रमा करके आएगी, तेरे एक ब्रह्मांड नहीं, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। भगवान का अंदर में अनंत करोड़ ब्रह्मांड है, तुम्हारी एक एक बार नहीं, तुमने 3 बार विश्व ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आगे। अभी सारे देवता इकट्ठे हुए, किसने कहा मैंने परिक्रमा करके आई, किसने कहा तेरे से पहले मैं आया, तभी लड़ाई शुरू हो गई। इतने में यहाँ पर श्री गणेश जी कहते, बोले चुप रहो, तुम लोग एक ब्रह्मांड को परिक्रमा करके पता नहीं कितने दिनों में आए, मैं तो अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को मैंने 3 बार मैंने परिक्रमा लगाई। सब लोग तो ठाल लगा कर घसे, चूहा बान कहीं गया नहीं, एक जहां का कहां बैठा हुआ, बोले अनंत करोड़ों ब्रह्मांड की मैंने 3-3 बार परिक्रमा लगाई। इतने में श्री नारद जी जब बताए, इन्होंने प्रभु का नाम को परिक्रमा की है, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए ये तुलसीदास जी कहते हैं, हैं? इसलिए तुलसीदास जी प्रथम पूज्य कर नाम प्रभाव, क्यों गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है, बोले प्रथम पूज्य कर नाम प्रभाव, केवल नाम के प्रभाव से दुनिया में पूजा हो रही। मीरा के नाम जगत में क्यों है? ठाकुर का नाम करते थे। नारद जी का नाम क्यों? ठाकुर का नाम करते थे। इसलिए जब ठाकुर का जो नाम है ना, ये चिंता नहीं है। अगर सही सही हरि नाम करोगे ना, हरि नाम अगर सिद्धि प्राप्त कर लिया हरि नाम करते करते, फिर नाम से जो मांगोगे हरि नाम आपको वही प्रदान करेगी। इसलिए नाम का नाम चिंता नहीं। इसलिए आप लोग मेरे पीछे पीछे मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए ठाकुर का नाम जप करो, क्यों? ठाकुर का नाम सब कुछ देने वाले, सब करना। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
लेकिन उन्होंने कलि को चार ही जगह पर स्थान दिया। इसका मतलब है कलयुग में चार नियम का पालन करते हुए ठाकुर का थोड़ा नाम लो, इससे आपकी बड़ा पार हो जाएगी। जैसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास में जाओ, आपकी कोई बीमारी है, सचमुच से डॉक्टर अगर आपकी बीमारी सही करना चाहता है ना, आपको परहेज बताएगा। तो देखो दवा तो बहुत बढ़िया दे रहा हूँ, अगर आप परहेज को साथ में दबा लोगे दवा जल्दी जल्दी असर करेगा। अगर बगरा परहेज को साथ में दबा लोगे फिर तो जिंदगी भर दवा खाओगे लेकिन कोई असर नहीं करेगा। इसलिए परहेज की जरूरत है। बोले क्या परहेज? बोले चार परहेज करने चाहिए। हरिनाम के लिए चार परहेज। पहला नंबर है दूताव। दूताव मतलब जुआ देख लेनी चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज बोले देखो मैं धर्म स्वरूप हूँ, देखो मैंने जुआ खेला तो कितना सर्वनाश हो गया, राज्य गया, भाई गए, भाई सभा में पत्नी की विवस्त्र देखना पड़ा, फिर 12 साल तक जंगल में कट गई और 1 साल अज्ञात निवास। इसलिए जो शेयर कंपनी बनाई ना इसमें नहीं करनी चाहिए भैया, इसलिए जुआ को आप खिलाओ, कभी जुआ खेलोगे तो इतने दुर्गति तुम्हारी होगी, इसलिए जुआ में कभी हाथ मत लगाओ। धर्म का पहला चरण सच, बोले जो जुआ खेलेगा वो कभी सच नहीं बोलता, वो झूठ को झूठ बोलना पड़ता है, धर्म का पहला चरण खत्म हो जाएगा। दूसरा नंबर है पानव। पानव का मतलब होता है किसी तरह का नस्ली वस्तु कर दिया, जैसे पान है, बीड़ी है, सिगरेट है, अफीम, गांजा, भांग, शराब, ये सब चीज नहीं लेनी चाहिए। इसलिए संत लोग कहते हैं जो शराब लेते हैं ना उनका 3 लाभ है। कितना लाभ है? 3 लाभ। बोले क्या क्या? बोले पहला नंबर में बूढ़ा नहीं होगा, बोले दूसरा नंबर में घर में चोरी नहीं होगी, तीसरा नंबर में कुत्ते दोस्त होंगे। बोले भैया मतलब क्या है? पहला नंबर में वो बूढ़ा नहीं होगा, ध्यान दे रहे सब। बोले बूढ़ा नहीं होगा, बोले बूढ़ा कब होगा? जिंदा रहे तब तो बूढ़ा होगा। कुछ दिन पहले एक माता जी मेरे पास में निकली है, उसका 2 बेटे 30 साल 25-30 साल से देखा हूँ मरेगा। मैंने पूछा बच्चों का पिता कहाँ है? बोले मर गया। बोले मर गया क्या? बोले वो पीते थे, वो इतना पीते थे, पी पी करके लास्ट में देखा दोनों लीवर खत्म, फाफड़े सब खत्म, बचने का कोई सवाल नहीं था। इसलिए भैया अगर दीर्घ जीवित मैं रसिया प्रचार करने के लिए जाता हूँ, रसिया मैं देखता हूँ लड़की लड़कियाँ हैं। मैंने पूछा भैया बूढ़ा नहीं दिखते लड़की लड़कियाँ क्यों? बोले यहाँ लोग के बच्चे बचपन से शराब पीना शुरू करते हैं और शराब पी करके वो लोग एकदम नंबू सतत्व प्राप्त हो जाते हैं और शराब पी करके आधा उम्र में खत्म हो जाते हैं, बूढ़ा नहीं आती। और लड़की देखा काली लड़की लड़की ने देखा वहाँ। इसलिए कोशिश करनी चाहिए जैसे गंदी चीज से दूर रहे। लेकिन अभी ये कलयुग है ना, देखो कलयुग में पहले मैं सुना अपना गाँव में एक व्यक्ति को कोई मैंने शराब पीते हुए देखा, जो शराब पीते थे इतनी गंदा मानते थे व्यक्ति को, सबसे गिरे हुए व्यक्ति उसको मानते थे। देखो कभी भी अपना परिवार को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अगर पिताजी अगर शराब पीता है बताओ बच्चा उससे क्या सीखेगा? ना बच्चे से कोई हम संस्कार दे सकते हैं क्या? बच्चे को कोई संस्कार नहीं दे सकते। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें इसे कोई काम नहीं करे जो बच्चे के ऊपर कोई बुरा संस्कार पड़े। कभी पिता माता को इसे कोई काम नहीं करनी चाहिए। बीड़ी सिगरेट कोई चीज नहीं लेनी चाहिए बच्चे कभी खराब कर, क्योंकि पहला गुरु तो पिता माता, पहले संस्कार तो पिता माता से पड़ेगा ना, कहाँ से पड़ेगा। इसलिए अगर हम अच्छे बने के बच्चे भी अच्छे बने के बच्चे, इसलिए अब अभी ऐसे जो हो गया शादी विवाह में अगर शराब नहीं हो तो तुमने क्या पिलाया? शराब ही नहीं पिलाया और मां से नहीं पिलाया, नहीं ऐसी जगह नहीं करनी चाहिए। भले कोई नहीं आए लेकिन शुद्ध रूप में अपना शादी विवाह करा, ठीक है ना। इसलिए दूसरा लाभ क्या? बोले चोरी नहीं होगा। बोले घर में चोरी कब होगा? कुछ हो तो घर में चोरी होगी ना, वो सब तो बेच बाज कर पी पा कर सब खत्म करता, पर चोरी कहाँ से चीज। अरे तीसरा लाभ क्या? बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे। बोले मतलब क्या? बोले पी पा कर पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर मुंह चाट कर जाएगा। इसलिए संत लोग कहते भैया ये सब चीज से दूर रहो, है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो बच्चों को। पर देखो बच्चों को हमने कितने पैसा दिया ये निर्भर नहीं करता है, बच्चों को हमने कितने संस्कार दिया ये निर्भर करता है। IPL जो क्रिकेट खेल हो रहा था ना, एक व्यक्ति मेरे पास आया, हाँ आकर बोले बाबा मेरा जिंदगी भर का जो करोड़ रुपया मैंने कमा कर रखा था बच्चा एक मिनट में सारे पैसा बर्बाद बाकी रह गया और उसमें जुआ लगा दिया, उसमें करोड़ रुपया लगा दिया, एक मिनट में उन्होंने सारे पैसा जिंदगी में जो उन्होंने कमाया सारे बर्बाद कर दिया। इसलिए कितने पैसा रख करके जा रहे हैं ये कितने संस्कार देख रहे हैं ये निर्भर करता है।
इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके जाओ, जैसे बच्चे सवेरे उठे पिता माता के चरणों छुए, गुरुजन को आदर करे, सबको सम्मान दे, इसलिए गीता पढ़े, रामायण पढ़े, जो बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार आए, तो रामायण पढ़ेगा ना। इसलिए एक समय हमारे बड़े गुरु जी को पास होते आए, बोले गुरु जी बच्चा बात नहीं सुनता, ये बच्चा बात नहीं सुनता। हमारे बड़े गुरु जी बोले पढ़ते हो बच्चे को रामायण पढ़ाया? बोले नहीं। बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं और बच्चों को रामायण नहीं पढ़ेगा, दुर्गति तो यही हो, क्योंकि रामायण पढ़ते, रामायण में लिखा हुआ है प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पी गुरु नमः। ठाकुर जी सवेरे उठ करके पहले पिता माता के चरण छूते थे। अब रामायण देखे होंगे, जब दशरथ महाराज शयन करते हैं, भगवान राम क्या करते हैं, पिताजी की सेवा करते हैं। यहाँ पर जितने बड़े बड़े होंगे ना, जरूर पिता माता के अवसर व्यक्त किए हुए, लेकिन जो नया जनरेशन आया है भाई बात भी नहीं सुनता है, बात नहीं सुनता, पिता माता के चरण में क्या दबाएगा। जितने बड़े बड़े को पूछो जरूर पिता माता की सेवा की होगी। मैंने भी पिताजी की चरण दबाया, पिताजी की मैंने भी सेवा की है, क्योंकि पहले यही संस्कार देते थे, पहले पिता माता को सम्मान करो, बुजुर्गों को आदर दो, बुजुर्गों को आदर दो। गुरु जी कहते थे अगर रामायण पढ़ते भगवान राम ने क्या किया, 14 साल के लिए पिताजी के आदेश को पालन करने के लिए जंगल में गया नहीं, अपना मैया नहीं सौसली माया कई कई की, अपना मैया कौशल्या की नहीं, उन्होंने 14 साल के लिए वनवास किया। अभी आप अपना बच्चे को बोलो 14 दिन के लिए कहीं चले जाए, मन मर्जी तो 14 दिन के लिए घूमने जा सकता है, लेकिन पिताजी की आदेश पालन करने के लिए 1 दिन भी नहीं जाएगा। कारण क्या? गुरु जी कहते थे कारण यही है, हम रामायण नहीं पढ़ते, रामायण पढ़ेगा तभी बच्चों को अंदर में तभी संस्कार आएगा, नहीं तो संस्कार आ ही नहीं सकते। लेकिन बच्चों का स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं, 10-20 हजार के लिए स्मार्टफोन तो ले लें, जिसमें जीवन बर्बाद हो जाए वो चीज देते हैं, लेकिन हम गीता रामायण बच्चों को नहीं पढ़ाते। देखो दृष्टांत, एक व्यक्ति ने 2 बच्चे को भेजा अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए, पिताजी यहाँ पर बहुत संपत्ति था, क्या आप लोग नहीं चुप करना आया और पढ़े हो, भैया अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए, भैया अमेरिका में पढ़े पढ़े तो संस्कार वहीं का संस्कार था, बच्चों को पढ़े वही संस्कार पढ़ा, तो दोनों बच्चे यहाँ पर आए, आकर के पिता माता को बोले देखो हम दोनों तो सेट हो गए अमेरिका में, चलो ये सारे संपत्ति को बेचो, चलो अमेरिका चलो। अच्छी बात है, हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी क्या करेंगे, सब सारे संपत्ति बेच दी, बेच करके उनको लेकर गए एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को बाहर खड़े करके बोले यहीं पर खड़े रहो, अभी ट्रली लेकर के आता हूँ। और ट्रली लेने के लिए गए तो 10 मिनट ही हो गया आए नहीं, 20 मिनट ही हो गया आए नहीं, उसने फोन लगा करके देखा, वो पिता ने सारे बच्चा ने सारे संपत्ति को बेच करके सारे संपत्ति लेकर अमेरिका दोनों चले गए, और मेन रोड में पिता माता को खड़े करके चले, मेन रोड में खड़े करके चले। इसलिए भैया इतने बच्चों को पढ़ाया मत करो जो कि पिता माता की सेवा भूल जाए, पढ़ाया करो अच्छी बात है, लेकिन उसको साथ में संस्कार भी दो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, पिता माता की आदर करे, गुरुजन को आदर करे, ये संस्कार में बच्चों को देनी चाहिए। जब बच्चे ज्यादा लिख पढ़े जाते हैं ना क्या बोलते हैं, अरे तुम लोग बुढ़ा बुढ़ी क्या जानते हो, हमने इतने लिखाई पढ़ाई किया, हमने इतने डिग्री किया, कभी कभी पिता माता को अनादर करते हैं। इसलिए क्या करो, उनको पढ़ाई को साथ में गीता रामायण भी पढ़ाओ, भागवत भी पढ़ाओ, बोले एक माला जप कर, अगर उसका अंदर में ये संस्कृति आएगा ना, देखना बच्चा जरूर पिता माता की सेवा, पिता माता की आदर करेगा। इसलिए आप लोग भी बुजुर्गों को देखो, शास्त्र में बताया सवेरे जो उठ करके पिता माता की चरण छूते हैं उनको 4 चीज का लाभ होता है, कितना चीज लाभ होता है, कहते बाल जस वृज्य और उसकी जस पौरसत्व मिलता है, जो सवेरे उठ करके पिता माता के सबसे पहले चरण छूता है, इतने लाभ है पिता माता की आशीर्वाद देने से, हृदय से, अगर पिता माता हृदय से जिसको आशीर्वाद देना, यहाँ पर जो ललाट में जो लिखा हुआ है ब्रह्मा जी को बदला देना पड़ता है, क्यों, पिता माता की आशीर्वाद, इतने महिमा गुरुजन को प्रणाम करने का। इसलिए आप लोग भी कोशिश करना सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छो, पिता माता की आशीर्वाद लो, ठीक है, इधर हाथ उठा कर बोलो बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए तीसरा जी कहते पाना, पाना मतलब होता है
किसी तरह का नस्ली वस्तु मत लिया करो। इसमें धर्म का तो दूसरा चरण है तपस्या का समझ जाती है, तीसरा चरण है कुल स्त्रियों, बोले ये कली का आश्रय स्त्रियों के ऊपर में, बोले भैया कौन सा स्त्रियों के ऊपर में कली का आश्रय है, बोले जो लोग अवैध रूप में है स्त्री पुरुष और पुरुष संसार करो करके पति पत्नी धर्म पुरुषों का अपना गृहस्थ बना, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करता, इसको एकदम मना किया है, पाप का स्थान है, शादी करके अपना पति पत्नी धर्म पूर्वक तो अपना घर गृहस्थी को निभानी चाहिए। कि धर्म का जो तीसरा चरण है कभी पवित्रता नष्ट हो जाता है। चौथा नंबर है कभी जीव हिंसा, जीव हिंसा मतलब होता है मांस मछली अंडा प्याज लहसुन आदि नहीं ग्रहण करनी चाहिए। जब उन्होंने ये चार चीज कली को स्थान दे दिया, ये कली तभी खुश नहीं हो रहा है, बोले भैया अभी कहाँ कहाँ घूमू, कौन जुआ खेल रहा है, कौन शराब पी रहा है, अवैध संघ में कहाँ घूमू, मेरे को ऐसे एक स्थान दे दो जो एक स्थान में सब चीज मिल जाए। फिर उन्होंने उनको पैसा में स्थान दे दिया सुवर्ण में, बोले मतलब क्या, बोले जितना इतना जितना काम करो तो ज्यादा पैसा वही करे, ये शराब पीना जुआ खेलना बेचा ले जाना जितने मांस मछली देखो देखो ज्यादा जहाँ ज्यादा पैसा देना सारे अनर्थ यही पैसा है, इसलिए उन्होंने पैसा में दे दिया। और एक चीज अच्छा तरह समझो, बोले पैसा की लक्ष्मी है और मूल लक्ष्मी से राधा रहे, मूल लक्ष्मी राधा रहे, फिर राधा रानी के ऊपर ही कली का निवास कैसे, ये चीज अच्छा से समझ लो। आप लोग से एक प्रश्न करता हूँ उत्तर देना, आप बताओ लक्ष्मी का वाहन कौन है, कौन बोले हाथ उठाओ, लक्ष्मी की वाहन कौन है, उल्लू है, मतलब लक्ष्मी जब घर में आती है ना वो उल्लू ऊपर बैठ कर जाती है और हमें क्या बनाती है, उल्लू बनाती है, हमें उल्लू बनाती है। लेकिन लक्ष्मी की वाहन और एक भी है, कहते एक है तो उल्लू और एक कौन है, कहते और एक है गरुड़। अब देखना कभी भी माँ लक्ष्मी को अकेले कभी गरुड़ ऊपर नहीं देखोगे, देखो कि नारायण को साथ में, इसका मतलब है लक्ष्मी को बुला, क्योंकि लक्ष्मी के बगैर कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन लक्ष्मी को अकेले मत बुलाया करो, लक्ष्मी आओ हम तुम्हें भोग करेंगे, भैया लक्ष्मी तो नारायण की, आप थोड़ी भोग कर सकते हो, आप भोग नहीं कर सकते हो, जब लक्ष्मी को अकेले घर में बुलाओगे तो फिर उल्लू को ऊपर बैठ करके आइए हमें उल्लू बनाएंगे, अगर लक्ष्मी को बुलाओ क्योंकि लक्ष्मी के ऊपर कुछ नहीं होता, लक्ष्मी नारायण की ठाकुर लक्ष्मी आओ क्योंकि तेरी बगैर तो ठाकुर को हम सेवा नहीं कर सकते, ठाकुर को भोग कैसे लगाएंगे, ठाकुर को खाना कैसे खिलाएंगे, पैसा होगा तो तब तो कर सकते हैं ना, इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ लेकिन ठाकुर को सेवा के लिए। इसलिए फिर लक्ष्मी वो उल्लू के ऊपर बैठी करके नहीं और गरुड़ के ऊपर बैठी करके आई है। आप देखना हर विष्णु मंदिर में गरुड़ देखोगे, मतलब जब ठाकुर को सेवा के लिए लक्ष्मी को बुलाओ ना, जब गरुड़ ऊपर बैठ करके आएगी आपके घर को घर नहीं, आपका घर को वैकुंठ बना, घर को क्या बना देगी, वैकुंठ भगवान की धाम बना देगी। इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ लेकिन नारायण को साथ में बुलाओ, ठाकुर जी की सेवा के लिए बुलाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ देखो आज एक बहुत बढ़िया तिथि है, आपको बताएं आज क्या है, एकादशी है। हाँ देखो कहते कथा को बीच में अगर एकादशी आ जाए ना भागवत कथा में, समझो उसमें चार चांद लगते हैं, उसमें चार चांद लगते हैं अगर एकादशी व्रत अगर कथा में आए, क्योंकि भागवत में एकादशी की बड़ी महिमा है। आज आप लोगों ने कौन कौन एकादशी व्रत रखे हो, हाथ उठाओ, आज कौन कौन एकादशी व्रत रखे हो। देखो कल मेरी की गलती हो गई, ये गलती हो गई, आज एकादशी मेरे दिमाग से उतर गया, मैं तो सोच रहा था एकादशी की कथा सुनाओ और भागवत कथा में जो एक एकादशी व्रत रख लेते ना, हम सोच नहीं सकते एकादशी की इतने पुण्य है, इतने पुण्य है, लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया है। लेकिन आज थोड़ी सी एकादशी कथा सुन लेते हैं। देखो जो एकादशी को बताया ये कल्पतरु व्रत है, क्या व्रत है, कल्पतरु व्रत मतलब होता है कि आप जो मांगोगे आपको सो मिलेगा, ऐसी कोई चीज नहीं जो एकादशी व्रत से नहीं मिलेगी। एक देखना 15 दिन में एक एकादशी है, अगर आपके पास में एकादशी किताब होगा जरूर पढ़ लेना, उसमें एक एकादशी पुत्र का एकादशी, जब नंद यशोदा ने उनकी संतान थी नहीं, कल हम सुनेंगे इन्होंने हर तरह का व्रत रखा है, ऐसे कोई व्रत जो उन्होंने नहीं रखा, दान पुण्य सब किया। एक दिन सोचा बोले हमने तो सारे व्रत रखे लेकिन अभी तक हमने ये पुत्र
चलो हम दोनों पुत्र का एकादशी व्रत रखते हैं। जिस दिन उन्होंने पुत्र का एकादशी व्रत रखे उसी रात को उन्होंने स्वप्न देखा, कृष्ण स्वयं उनके हृदय में प्रवेश किया है। अरे मैया जशोदा ने एक कृष्ण का जन्म दिया है, इसलिए एक एकादशी नाम पुत्र का है। जिनका पुत्र नहीं है अब वो एकादशी व्रत रखो, घर में आपकी पुत्र की जन्म होगी। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। जिनके घर में लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी के अभाव है, आप वो एकादशी व्रत रखो, घर में मां लक्ष्मी की कृपा होगी। एक एकादशी का नाम पाप हो गया, जो एकादशी व्रत रखने से पाप है सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उसका नाम पाप मोचन है। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, मोक्षदा मतलब क्या, जो एकादशी व्रत रखने से आपको संसार से जन्म मृत्यु का चक्कर से आपको मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए उसका नाम मोक्षदा। एक एकादशी का नाम विजया, विजया मतलब क्या, जो एकादशी करने से सर्वत्र आपका विजय होगी, जहां भी जाओगे आपको सर्वत्र आपकी विजय की प्राप्ति होगी, इसलिए उसका नाम एकादशी का नाम विजया है। इसलिए आप देखना हर एकादशी को, आप घर में अगर व्रत होगा ना वो व्रत को जरूर पढ़ना, हर एकादशी के अलग अलग फल है। किसी घर में शांति शुरू नहीं की, घर में अशांति, एकादशी व्रत किया वो अशांति दूर होगी। किसी घर में बड़ी बीमारी है, बीमारी सही नहीं हो रहा है, एकादशी इतने महिमा की एकादशी व्रत की जो मांगो लेना आपको सो मिलेगा, ये एकादशी व्रत से सब कुछ मिलेगा। एकादशी व्रत से जो एकादशी व्रत है इसकी इतने महिमा, इतने महिमा एकादशी व्रत की। देखो जो एकादशी व्रत है ये साइंटिफिक रीजन है, आप लोग ये मत समझा रही जो व्रत व्रत क्या चीज होता है, ये सब ऐसे एकादशी पूर्णिमा सब ऐसे रहते हैं, नहीं ये सब के सब साइंटिफिक रीजन है। मतलब भैया एकादशी में क्या साइंस है, देखो आज मैं बोलूंगा कल आपसे सुनूंगा, मैं देखूंगा मेरे को कौन कौन बता सकता है इसमें क्या साइंस है। देखो हमारे जितने ऋषि मुनि बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, अभी का साइंटिस्ट नहीं जैसे न्यूटन आइंस्टाइन इनका नाम सुने होंगे, इन लोगों ने जो थियोरी बोल कर गए थे अभी जो साइंटिस्ट बहुत गलत बता रहे हैं, बोले इन्होंने ये गलत बताया, उन्होंने ये गलत बताया। देखना बच्चों का पुस्तक कभी कहीं बदलती, बोले क्यों, बोले उसी साइंटिस्ट ने ये और ये साइंटिस्ट ने उसका सारे थियोरी उतार दी, इसलिए देखना पुस्तक बदलती है कभी कभी। लेकिन आप ये बताओ रामायण का कोई चौपाई अभी तक बदली, भागवत का कोई एक श्लोक अभी तक बदला, हमारी गीता की कोई श्लोक अभी तक बदला है, वेद का मंत्र अभी तक बदला है, भागवत का कोई श्लोक अभी तक बदली है, कुछ नहीं बदली। बल्कि क्यों, पहले जो साइंटिस्ट साइंटिस्ट थे इन लोगों ने दिव्य नेत्र को द्वारा है, दिव्य नेत्र को द्वारा जो कुछ दर्शन किया वो सब चीज को लेकर, कितना चीज से बनी है, कौन कौन बताएगा पांच चीज शरीर में क्या है, बोलो जोर से। इसमें ये ज्यादा पाप वगैरह समझा बच्चे रचित ही अधम से, ये पांच चीज बनी हुई, मिट्टी वायु जल आकाश पांच चीज से, मतलब पांच चीज में सबसे ज्यादा क्या चीज है, पानी। कितना परसेंट से पानी है इसमें, 70-75% इसमें पानी है। इसलिए पानी होने का नाते देखो ये जो पृथ्वी है ना ये चंद्रमा को खींचती है, ये चंद्रमा ये पृथ्वी को खींचती है, दोनों दोनों को खींचती है, दोनों दोनों का द्रव्य शक्ति से खींचते हैं। खींचने पर जैसे चंद्रमा ये पृथ्वी को जब खींचती है, पृथ्वी को तो खींच नहीं सकती, पृथ्वी इतनी बड़ी है, इसलिए उसका जो प्रभाव ये पानी के ऊपर पड़ता है। इसलिए आप लोगों का किसका घर समुद्र किनारा में नहीं होगा ना, जिन लोगों का घर समुद्र किनारा में होगा आप लोग देख लीजिएगा, ये एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आएगी, पानी ऊपर की लहरें। क्यों, चंद्रमा जितने बढ़ती रहती है वो चंद्रमा ये पृथ्वी को द्रव्य शक्ति से खींचती है, खींचने पर वो तो पानी के ऊपर तरल पानी है उसे पानी के ऊपर पड़ता है, इसलिए देखो बड़ी बड़ी लहरी आएगी पूर्णिमा के दिन, तो इतनी बड़ी बड़ी लहरी आएगी जो मछुआर को खबरदार उस दिन अंदर में नहीं जाना है, उस दिन नहीं जाना। फिर जब अमावस्या प्रथमा द्वितीया होगा ना, जितना परिमाण से चंद्रमा क्षय होती जाएगी उतना परिमाण से समुद्र का जो लहरी है धीरे धीरे घटते आ जाएगी, धीरे धीरे घटते आ जाएगी, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव पानी के ऊपर पड़ता है।
शरीर में पांच हिस्से बनी हुई और उसमें ज्यादा पानी है, पानी होने के नाते ये शरीर के ऊपर में चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। आप लोग देख लेना, जिनकी गठिया में दर्द है, कमर में दर्द है, आप नजर लगा कर देखना, एकादशी दिन थोड़ी ज्यादा दर्द होगा, द्वादश दिन और थोड़ा ज्यादा, पूर्णिमा के लिए इतना दर्द होगा सो भी नहीं सकते। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, देखना हॉस्पिटल में देखना, वहां पर ज्यादा बीमारी लोग कम जाते हैं एकादशी दिन का पूर्णिमा दर्द लेकर। किसी शमशान के पास में जाओ, देखना ज्यादा लोग मरते हुए देखो, कब एकादशी से पूर्णिमा दर्द लेकर ज्यादा लोग मरते हुए, खून खराबी जो होती है अब नजर करके देखना, वो एकादशी लेकर पूर्णिमा में ज्यादा खून खराबी होती है। क्यों? ये चंद्रमा का प्रभाव पड़ने पर शरीर भर में काम क्रोध लोभ ज्यादा जागृत होती है। जागृत होने का वजह से इसलिए संत लोगों ने कहा, देखो एकादशी का जन्म अन्न मत खाया करो, एकादशी का जन्म अन्न मत खाया करो, जैसे रोटी चावल ये क्या स्पंज जैसे होता है स्पंज, अब रोटी खाओ थोड़ी देर बाद में आपको पानी पीने की इच्छा करेगी, पानी पीने का इच्छा करेगी नहीं करेगी। इसलिए बोले भैया एकादशी का दिन फल मूल खाओ, ये चावल मत खाया करो, चीनो चावल को मत खाया करो, क्योंकि जितने चावल रोटी खाओगे उसके ऊपर चंद्रमा उतना प्रभाव पड़ेगी, पानी उतना पियोगे, पानी पीने पर शरीर में ज्यादा तुम्हारी बीमारी होगी, इसलिए फल फूल खाने के लिए बताए। इसलिए बोले एकादशी का दिन अन्न में पांच पाप विशेष करके रहता है, बोले कि गो हत्या, एक ब्रह्म हत्या, एक नर हत्या, एक पिता माता हत्या, हाँ कभी एक भ्रूण हत्या, ये जितने सारे पाप एकादशी का दिन अन्न में आश्रय करके रहते हैं। इसलिए एकादशी का दिन जो अन्न खाते हैं कहते भैया ये सारे पाप को तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए जितने मेडिसिन देखो, मेड ईट सीन क्रो सीन तेरा माई सीन, देखो सीन 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 मतलब क्या पाप है, सीन मतलब क्या है पाप, बल्कि ये बीमारी क्यों है पाप की वजह से। इसलिए मेडिसिन तेरा माई सीन क्रो सीन 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 क्यों है, बोले भैया पाप की वजह से सब बीमारी हो रही है, एकादशी का दिन अन्न खाए तो इसलिए सब बीमारी हो रही है। इसलिए क्या करनी चाहिए, एकादशी का दिन हमें एकादशी के हमें व्रत रखनी चाहिए, एकादशी की व्रत रखनी चाहिए। इसलिए एकादशी सबसे बड़ी व्रत है। देखो इस दुनिया में देखना, कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, साल साल तक बिस्तर में काटी पेशाब से प्राण नहीं जा रहे, आप किसी ब्राह्मणों को बुला करके बताओ तो जल्दी से जल्दी इनकी सदगति कैसे हो, आप पूछ लो देखना वो क्या कहता है। वो बोलेगा कोई एकादशी व्रत करके उसका फल दे सकते हो। एक पापी से पापी व्यक्ति बड़ा दुष्कर्म किया लेकिन एकादशी प्रणाम क्या कहते भैया, एकादशी दिन शरीर छोड़ा प्राप्त होने आता है, एकादशी दिन शरीर छोड़ा है, इसलिए एकादशी का दिन करने के लिए। एक व्यक्ति दो साल से वो बीमारी पड़ा था हॉस्पिटल में, शरीर में केवल हड्डी हड्डी रह गया था, उसका प्राण गला में अटक गई थी, किसी तरह से प्राण नहीं जा रहा, पूरा परिवार दुखी दुखी। जब मैं गया यूरोप में प्रचार करने के लिए, उनको पता चला भारत से कोई साथ हुआ है, मेरे को बुला कर ले गए, उनका परिवार बोले बाबा हमारा पिताजी की शरीर छूट नहीं रहा, ये दो साल से पड़े हुए इतने पैसा खर्चा हो रहा है, आप बताओ काम करो, आप लोग एकादशी व्रत। बोले बाबा अभी दस दिन बाकी है, इनका कष्ट देखा नहीं जा रहा, मैंने बोले एक काम करो, सबका हाथ में फूल दिया पानी दिया, बोले संकल्प कर, संकल्प करके इसका फल इनको दो। जो उन्हें संकल्प करके फल दिया ना, दो घंटा में उसकी प्राण थी, दो घंटा में उसको प्राण थी, मैंने अपना आंखों से देखा, ग्रेटर नोएडा में मैंने देखा कि माता जी कैसे बड़ी हुई थी, लेकिन केवल एकादशी व्रत का फल देते छूट गई। हमारे हमारे जो बड़े गुरु जी यहाँ पर है, इनकी बहुत विदेशी शिष्य है, एक समय वृंदावन में एक ट्रक की एक्सीडेंट हो गई गैया से, एक्सीडेंट होने पर अभी गैया की हड्डी हड्डी सब टूट गई, वो बड़ी छटपट छटपट कर रही थी। एक अमेरिका की एक माता जी थी, उसने गुरु जी को पास में आया, बोले गुरु जी एक गैया के साथ में ट्रक हड्डी टूट गई, बड़ा कष्ट पा रहा है। गुरु जी ने कहा एक काम करो, उसको एकादशी का फल, जो उसने कान में बोल दिया उसको प्राण छूट गए। इतने महिमा की एकादशी व्रत की, इतने महिमा, इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखो, ठीक है ना। एकादशी व्रत को कोशिश करना जैसे 12 बजे तक कुछ नहीं खाने के लिए, दोपहर का 12 बजे तक, उसको बाद में फिर आप लोग जैसे फल वो देखो, हमारे मंदिर में कहो बाबा लोग कहते भैया कब एकादशी आएगा,
क्यों घर रोज रोज वही रोटी चावल सब्जी खाओ, लेकिन एकादशी के दिन कुटका पकौड़ी बना देते हैं, फ्रूट क्रीम बना देते हैं एकादशी का दिन, उस दिन बढ़िया पूड़ी भी बनती है, किस चीज की पूड़ी बनती है, कुटुआ करके पूड़ी बनती है, हैं पूड़ी बनती है मूंगफली। और खाने के लिए तो आज हम गए थे भक्तों के घर फरीदाबाद में, आप सोच नहीं सकते उन्होंने तो 15-20 तरह का बनाया था चीज, 15-20 तरह का, कितना 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 बढ़िया बढ़िया चीज उन्होंने बनाया था। कोई बोले तो भैया रोज एकादशी रोज बोल एक दिन की रोज, इसलिए लेकिन क्या करो अन्न मत खाया करके, अन्न नहीं खा करके जैसे दूसरी दूसरी चीज को खाओ तो वर्जित है, ठीक है ना। इसलिए पुराण की कथा आती है दो पति पत्नी थे, लेकिन उनको पता नहीं था एकादशी, उनने क्या किया सवेरे उनके अंदर में झगड़ा हो गया तो आप देखना अगर झगड़ा हो जाए ना माता को तीन तीन दिन पूरा एकादशी व्रत रखे, हाँ पूरी मान कर लेना मेरे को पूरा एकादशी, उनको पता नहीं था एकादशी, उन्होंने अनजान में उन्होंने दूसरी जीवन में वो दोनों राजा रानी बन के जन्म हुए, ये रूप मांगर महाराज बन के पुराने की कथा रूप मांगर महाराज बन करके उन्होंने जन्म लिया है, इतने प्रभाव एकादशी व्रत की। इसलिए भागवत में अम्बरीश महाराज की कथा आती है जिन्होंने एकादशी व्रत किए सुदर्शन चक्र रक्षा करते थे, दुर्वासा ऋषि आए तो उनको खदड़ तक लिए ब्रह्मलोक तक ले गए वैकुंठ लोक तक ले गए, कहते जो एकादशी व्रत रखते ठाकुर जी को सुदर्शन चक्र उनका रक्षा करता है, बड़ी महिमा एकादशी की बड़ी महिमा है। इसलिए आप लोग एकादशी व्रत जरूर रखना, 15 दिन में एक बार एकादशी आएगी है, जरूर एकादशी व्रत रखो और भगवान की भक्ति करो नाम करो और जीवन में शांति और सुख में रहे, ठीक है। बस एकादशी व्रत की प्रश्न भक्ति देवी की जय जय श्री राधे। आप देखो कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले कौन सा रंग के कपड़े पहन के काम पीला और बढ़िया सज्जा जी कर दीजिए शादी में जाते हो ना, क्योंकि ठाकुर जी कल ठाकुर जी जन्म लेंगे ना, इसलिए आपका जितने ग्वाल वाल बच्चे होंगे ना सब राधा और गोपाल बना के मिला, और यहाँ पर किसका बेटा लड़का ना लड़की हो क्या है लड़की है और इसके ऐसे छोटा बेटा यहाँ पर लड़का किसी घर में ये तुम्हारे बेटा है, ठीक है। देखो कल इस बच्चे को बड़ा सुंदर पीला रंग का ठीक है पीले रंग के बड़े सुंदर कपड़ा पहनना और सिर में मुकुट वक लगा देना कि मोर वक लगा देना और तो भी बढ़िया सज धज करके जैसे गोपी आई थी ना शादी का समय का जितना लहंगा चले निकालना वो खराब हो रहा है उसका निकाल करके बढ़िया जैसे गोपियाँ आई थी करना, और आप जो दोनों हैं नंद जसोदा आप दोनों बन करके नंद जसोदा आप दोनों पति पत्नी नंद जसोदा बन करके आना और आप भी हैं मैया रोहिणी जैसे बड़े सुंदर बन नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और ये काम करो जैसे बच्चे का बर्थडे हो ना जैसे टफी और खिलौना ये सब जैसे लुटा दे ना आप लोग भी घर से थोड़ा थोड़ा लेकर आना, क्योंकि कृष्ण ही सबका बच्चे है ठाकुर जी ये सबका बच्चे है, थोड़ा थोड़ा लेकर के आओ बच्चों ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। इसलिए आप लोग सब खड़े हो जाओ प्रभु जी एक भजन गाएंगे जो नाचने वाला भजन है और सबके सब भजन में नाचना, ठीक है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री तेरी बंसी पे तेरी बंसी पिता हूँ मनिहार सिया तुम चुके तेरे दरबार सिया तेरी बंसी पे गाऊं मन हार सिया
हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। आप लोग देख लीजिए, जैसे ये माला को कल तो मैंने बताया था, ये अंगूर को टच नहीं करना, क्योंकि ये अहंकार का प्रतीक है। हम बोलते हैं ना, तेरे को हम देख लेंगे, सबसे पहले ये अंगूर निकलता है, इसलिए ये अंगूर को हम ऐसे सीधा रखते हैं। बोले क्यों? बोले काम क्रोध लोभ कोई मत आया करे, इसलिए इसको हम बीच वाले अंगूर में रखते हैं। ये बीच वाला अंगूर में रखो, जैसे ये सुमेरु है, ये राधा कृष्ण का रूप है, ये एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है। मानो बीच में राधा कृष्ण को रख करके रास कर रहे हैं, ये माला रास कर रहे हैं, इसलिए ये बीच वाले अंगुलों को ऊपर रख करके, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोल करके उसमें एक मोती सरकेगा, तीन बार में तीन मोती सरकेगा। मैंने कल बताया था ना, चैतन्य महाप्रभु को जो भक्त लोगों ने बोले हमारे घर में प्रसाद, बोले मैं सबको घर में खाना नहीं खाता हूँ। बोले किसको घर में खाना खाते हैं? बोले जो लखपति, और उसी समय लखपति मतलब है जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हम तो कभी लखपति बन ही नहीं सकते, क्योंकि 1,00,000 स्वर्ण मोहर किसको घर में होगा? क्या हमारे घर में आप खाना नहीं खाओगे? अरे महाप्रभु बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1,00,000 करते हैं वही असली लखपति है। 1,00,000 जो नाम जप करते हैं। कल मैंने बताया था 1,00,000 कैसे होता है, कल बताया था ना, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलकर एक मोती सरकेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, दो मोती सरकेगा। हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार करने 16 नाम होता है, इसमें 108 मोती हैं। जब यहाँ पर समाप्त हो जाए, इधर करते करते जब यहाँ समाप्त हो जाए, ये अंगुल को पार नहीं करना नहीं चाहिए, क्यों? ये राधा कृष्ण का रूप, फिर इसे घुमा दो, घुमा करके दूसरे तरफ से करो। अगर 25 हमारी 16 माला हो गई, वो हिसाब तो होता है 25,000 हो गया, अगर 64 माला हो गई ना तो 1,00,000। भगवान कह रहे 1,00,000 माला नहीं किया, आज आपका नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो गई। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगा? बोले दीन बढ़त सवाल, आज अगर 1,00,000 नाम किया ना, कल आपको 1,25,000 मिलेगी, और 4 दिन में 2,00,000, 4 दिन में 2,00,000, मतलब इतने ही इंटरेस्ट इतना जल्दी देता है। हैं, ये माला नहीं, ये माल है। आप लोग माला नहीं जप कर रहे हो, माल लुट रहे हो, ठीक है ना? इसलिए थोड़ी सी जोर जोर से बोलना, क्योंकि सभी की आवाज सभी के कान में जाएगा ना। जैसे यहाँ पर मानो 60 भक्त लोग बैठे हुए हो, अगर 1 माला करोगे तो 60 माला करने का फल मिलेगा, क्यों? सभी का आवाज सभी का कान में जा रहा है। और हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, जैसे एक पत्थर उठाओ पानी में मारो तो क्या होगा? उसमें लहरी आएगी, फिर 2 बार लहरी आएगी। उसी तरह जब हम ठाकुर का नाम जप करते हैं, ये जो भगवान का नाम दूर तक जाएगी, उतना दूर तक दुख कष्ट आपत्ति विपत्ति सारे अमंगलों को दूर कर देती है, क्योंकि ये शब्द ब्रह्म ये ठाकुर जी का नाम है। ठीक है, सबके सब मेरे साथ में जप करो, बोल हरे कृष्ण, सबके सब आंख बंद कर लो, समझो वृंदावन में बांके बिहारी जी की चरण में बैठे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मोती सरकेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे माला वापस दे दो, कोई माला लेना नहीं, पाप लगेगा। जब जिसकी इच्छा होगा ना, मैं बाद में आप लोगों को
दूंगा माला, माला सब वापस दे दो, रोज रोज एक एक हम माला जप करेंगे, सब वापस दे दो माला। हाँ सब के सब खड़े हो जाओ, ठाकुर जी की आरती हो। हरे कृष्णा, जिसने सारी
इसलिए 3 दिन तक रेल से करा दिया आपको, इसलिए उसको बाद में आप जानते हो, इसलिए एक बार हाथ उठा लो बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल मन मोहन
Yeah.
दो 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 सही दोस्त वही दोस्त है जो